यार एक इंसान तो वो है जिसको जिंदगी में दुनिया भर की प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम को लेके जो है बैठा हुआ है रो रहा है यार ये प्रॉब्लम सारी मेरे साथ में ही क्यों आ रखी है आखिर भगवान को इस धरती पर मैं ही मिला मिलाऊ क्या ये सारी प्रॉब्लम देने के लिए और एक इंसान वो है कि यार जो भी मेरे पास में है अब इससे मैं अपनी लाइफ को कैसे शानदार तरीके से एंजॉय कर सकता हूँ उसके ऊपर फोकस दे रखा है आप लोग ये बताओ कौन सा इंसान जो है वो जिंदगी में सही पोजिशन पर पहुँचेगा तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जब भी आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो ये वीडियो देखी इसमें इस लड़की का एक पैर है और एक पैर से भी वो लड़की डांस कर रही है तो एक साइड में तो ऐसा भी तो हो सकता था उसको डांस करने की कोई जरूरत थी नहीं बैठ सकती थी सामने जाकर के हाँ जो भी प्रोग्राम जो भी दूसरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आराम से देख सकती थी पर लेकिन उसने अपने अंदर एक जज्बा लेकर आया कि यार जितना भी शरीर है मेरा क्यों ना मैं इसी में खुश रहना न सीखूँ तो उसी को वो इन्जॉय कर रही है और देखो मैं उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग भी देख रहे हैं और दुनिया में ये वीडियो बहुत सारे लोगों के द्वारा देखी गई और उसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं तो ये होता है ज़िंदगी जीने का तरीका तो आप लोगों को अगर शानदार तरीके से ज़िंदगी जीनी है तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी जब तक ये चीज़ें आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आप लोग अपनी ज़िंदगी को कोसते रहेंगे और इरेटेड रहेंगे और ऐसा लगेगा यार पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है तो यहाँ पर यही बात बोली कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर तो ये आप लोगों के अंदर का जो कंफर्ट जोन अगर आप लोग छोड़ दो और उससे बाहर निकल कर आओ तो सारी चीज आप लोग इस दुनिया में अचीव कर सकते हैं जो भी चीज आप लोगों को आसपास में दिख रही है मोबाइल लैपटॉप कुर्सी टेबल ये पंखा या टेलीविजन आज के डेट में जो भी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर इस धरती पर कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हवाई जहाज़ कुतब मीनार या फिर आप लोग बोले रहे आईफिल्टा मतलब जो भी आप लोग बना रहे हैं इस धरती पर आज के डेट में कभी ना कभी किसी न किसी के मान इंसान के माइंड में कोई थोट आया होगा उसने उसको आगे लेकर चला और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और आज वो चीज़ें हमारे सामने हैं तो ये होता है एक थॉट को प्रकट करने के बाद में इस तरीके से चीज़ों में कन्वर्ट करना ये कब आता है निकल कर ये तब निकल कर आता है जब हम अपनी जो चीज़ें हैं उन्हीं को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और लगता है कि यार इसी से क्या प्रोडक्टिव हम लोग बना सकते हैं तो कभी भी आप लोगों के पास में जो रिसोर्सेज है ना उनको लेकर परेशान मत हो यार हमको तो यार ये चीज़ें नहीं मिली हमारे मम्मी पापा हमको ये नहीं दे पा रहे हैं माँ बाप जो होते हैं ना वो आप लोगों को जो भी उनके पास में उसमें से बेस्ट निकाल कर देने की कोशिश करते हैं ठीक है तो जो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है उसमें से सोचो कि आप लोग बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाल कर ला सकते हैं तभी आप लोग जिंदगी को जो है वो शानदार तरीके से इंजॉय कर पाओगे तो ये तरीका है सोचने का बाकी तो यार अगर वैसे रोना है तो रोते रहो फिर कोई है नहीं पूछने वाला बस आएंगी दुनिया सुन के जाती रहेंगी तो ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ठीक है ये एक कोटेशन भी है और ये आप लोगों से क्वेश्चन ही बन सकता है एग्जाम के अंदर में बोला गया कोई भी सोसाइटी ठीक है कोई भी सोसाइटी चाहे किसी भी तरीके का क्यों ना हो एनी सोसाइटी दैट डज नॉट सक्सीड इन द दिन टू एनर्जी एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द यूथ जो भी उसके पास में है तो वो वो पीछे रह जाती है यानी कि एक तरीके से अगर यूथ की क्रिएटिविटी को अगर टैप नहीं कर पाती है यानी कि उनका ढंग से रचनात्मक दोहन नहीं कर पाती है तो पीछे रह जाती है यानी कि यंग माइंड को साथ में लेके चलने की बात की जा रही है कॉफी अन्नान साहब के द्वारा ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं तो इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे के तौर पर भी काफी इंपोर्टेंट है और बाकी डे कैसा है आप लोगों का जरूर बताना आप लोग अपनी लाइफ को कैसे इन्जॉय कर रहे हैं और किस तरीके की चीजें चल रही हैं उसके बारे में जरूर बताना क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एक तरीके से नहीं वो थोड़ा सा अलग तरीके से परेशान रहते हैं उन कुछ ऐसे कुछ ऐसे भी देखे मैंने कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं जिनको परेशानी है नहीं परेशानी खोज लेते हैं कि हम लोगों को कैसे परेशान रहना है अरे यार अपना टाइम टेबल बनाओ उसको ढंग से यूटिलाइज करो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों की जो जिंदगी है वो सही तरीके से आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी क्यों क्योंकि वहां से आप लोगों को कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा तो जब तक आप लोग कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे तब तक कैसे काम चलेगा आप लोग ये बताओ तो आप लोगों को पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा अभी कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है एक बच्चा लिख रहा है कि सर पता नहीं क्यों जो दिमाग है वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है प्रेशर में आता जा रहा है इसका एक सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ कई बार जब मैं काम करना चाहता हूँ ना वो काम नहीं कर पाता हूँ तो उस टाइम जो है मेरा दिमाग इरीटेट होने लगता है कोई मेरे से बात करता है तो मुझे गुस्सा आने लगता है तो ये हर एक इंसान के साथ में होता है अगर आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे जो आप लोगों को डिसाइड कर रखा है उसको आप लोग अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो ये चिड़चिड़ापन जो है वो आप लोग का अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगा अपने काम को एडवांस तो करो आप लोगों के जीने में मतलब रंगत आ जाएगी मैं ये बोलूंगा ठीक है तो ये आप लोग देखो जिंदगी को अच्छे से आप लोग एंजॉय कर पाओगे पर लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर तो यार देखो प्रॉब्लम होनी होनी है ठीक है तो ये काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो मुझे लगा आप लोगों के के साथ में में शेयर करना चाहिए आज डेट अगर बात करें हम लोग यहां पर साइरस मिस्त्री साहब की डेथ हो गई वो पिछली साइड पे बैठे हुए थे फिर भी उनकी डेथ हो गई रीजन क्या बताया गया बहुत बड़ा इसका कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी अगर वो सीट बेल्ट पहन रखे होते तो यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती अगर एक्सीडेंट हो जाता तो ये बोला गया कि पीछे वाली जो सीट होती है उसके लिए भी सीट बेल्ट जो है वो मैंडेटरी बना देनी चाहिए और जब डेटा निकाल कर सामने लाया गया इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों की जान जा रही है तो इसलिए इस चीज पर भी फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है तो यहां पर यह बात बोली गई है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा कि बहुत बड़ी बात है यहां पर यह बल्कि नितिन गडकरी साहब के द्वारा बोला गया था कि लगभग मोटे मोटे तौर पर छब्बीस हजार लोगों की जान गई है सीट बेल्ट न पहनने की वजह से और इसमें से सोलह हजार तो लोग वो हैं जो पिछली साइड में बैठे हुए थे तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो अगली साइड पर रहते हैं उसको तो सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी होता है क्योंकि टू 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 की आवाज आने लगती है पर लेकिन पिछली साइड में जो बैठे होते हैं उसमें सीट बेल्ट आप लोगों ने शायद ही कभी किसी इंसान को पहने देखा होगा अच्छा आप लोग खुद बताइए अगर आप लोग पिछली साइड पर बैठे हैं कि आप लोगों ने कभी सीट बेल्ट लगाई है गाड़ी में अगर पिछली साइड में आप लोग बैठे हैं अगली साइड में बैठे होंगे तो आप लोगों ने सीट बेल्ट लगा ली होगी बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अगली साइड में भी सीट बैल नहीं लगाते कमर के पीछे से निकाल के लेकर आ जाते उसको यहाँ से कमर के पीछे से और लगा देते हैं साइड में महारथी कि हाँ टू टू ना करे गाड़ी है सीट बेल्ट लगा लो यार इसीलिए है ये सीट बेल्ट ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जैसे यमराज जो है अपने कंधे पे ले घूम रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा दोस्त है यमराज ऐसे नहीं हुआ करते यार जरा सी देर में फ़ोटो टंग जाती है याद है एक एडवर्टीजमेंट आया करता था पुराने टाइम पे कि वो कहते थे एक तरीके से कि हेलमेट लगा ले हेलमेट लगा ले कि नहीं मेरा क्या बिगड़ेगा मुझे क्या करना है हेलमेट लगा के तो फिर दीवार पर तस्वीर टंग जाती है और वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कहता है फ़र्क तो पड़ता है भाई याद रहा है पुराने टाइम में एडवर्टीजमेंट आया करता था तो वही चीज़ें नहीं समझोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी तो अलार्म मैंडेटरी होना चाहिए जो सीट बेल्ट होती है हर एक सीट के लिए ये बोला गया ताकि उनको कम से कम रिकॉल कराया जा सके जैसे मैं कहता हूं डेली आप लोगों का डे कैसा है ठीक है कैसे यूटिलाइज किया आप लोग उसको सोचो तो सही एक बार कल का दिन कैसे यूटिलाइज किया आज के दिन कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मेरा पर्पज रहता है कि वो चीज आप लोगों को रिकॉल कराई जाए और जब आप लोग रिकॉल करोगे तो काम करना स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीजें आप लोग माइंड में रखिए ठीक है थीके? तो जरूरी है ये चीजें क्योंकि आप लोग अगर डेली अपने बारे में सोचोगे कि कल का दिन कैसे यूटिलाइज किया तो तभी आप लोगों को पता चलेगा और वो तो ज्यादा अच्छा थी नहीं आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज करना है तो आप लोगों के अंदर एनर्जी आएगी काम को करने की और जैसे ही आप लोगों के अंदर एनर्जी आएगी आप लोग काम को प्रोडक्टिव वे में कर पाएंगे और इससे आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाएंगे ठीक है तो ये चीज याद रखना है यहाँ पर तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है जो पीछे बैठा हुआ इंसान है सीट बेल्ट नहीं रहती तो आगे आके पड़ता है सर फूटता है उसका कई जगह सर लगता है तो सीट बेल्ट जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है क्योंकि सीट बेल्ट क्या करती है जब कोई प्रेशर पड़ता है ना तो वो एक जगह नहीं पड़ने देती पूरी बॉडी पर उसको डिवाइड कर देती है जिसकी वजह से यहां पर देखो पूरी बॉडी पर कंधों पर शोल्डर पर कुछ ऐसे रहता है जिसकी वजह से दिक्कत होने से बच जाती है ठीक है तो स्ट्रॉन्ग पार्ट पर पहुंचा देती है और लोगों की जो बेसिकली बॉडी में कम चोट लगती है तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार सीट बेल्ट हो गया हेलमेट हो गया इनका हमेशा ध्यान रखो क्योंकि किसी को दिखाने के लिए मतलब एक तरीके से चलान करने से बचाने के लिए नहीं है ये आप लोगों की जिंदगी से खेलने से आप लोगों को बचाने के लिए ठीक है तो इसके ऊपर हमेशा ध्यान दो ओके तो यथा आर्टिकल एक आर्टिकल ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगा यहां पर अगर आप लोग बात करें आज के डेट में जलवायु यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है ये बेसिकली सुधार के बारे में बात की जा रही है यानी कि रिपेयर करना बोलते हैं ना यहां पर ठीक है तो रिपेयरेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है ये क्या है अभी इसके बारे में आप लोगों से बताऊंगा पाकिस्तान के अंदर में बहुत जबरदस्त वाली बाढ़ आई उन्होंने मतलब लोकल भाषा में बोलते हैं बहुत कडुब्बी बाढ़ आ गई भाई ठीक है वो वाली बात है तो कडुब्बी बाढ़ आ गई यहाँ पर तो उसकी वजह से आसपास वाले एरिया में मतलब दुनिया भर के लोगों को अपना घर छोड़कर सड़कों पर यहाँ पर पूरा देखो पूरी सड़क यहाँ पर भरी हुई है इस तरीके से नजारे कुछ ऐसे भी निकल कर आए जिसकी वजह से कहानी खराब होगी आप लोगों को लग रहा होगा कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी सेम कंडीशन हमारे देश में बेंगलुरु के अंदर देखने को मिली बेंगलुरु के अंदर जो बढ़िया बढ़िया जो अमीर खानदान के लोग रहने वाले सारे मतलब जो नी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी वहां पर एक से एक जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके जो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें करोड़ों के घर थे मतलब चालीस चालीस पचा पचास पचास करोड़ों के घर है वहां पर ऐसी ऐसी सोसाइटी के अंदर में फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया लोग ट्रैक्टर पर अपना सामान निकालने के लिए मजबूर हो गए क्यों क्योंकि गाड़ियां तो डूबी गई उसके अंदर में तो ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिली तो किसकी वजह से हो रहा है ये इसका बहुत बड़ा रीजन तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा इसको जो अगर देखा जाए जो आज के में जो नाले होते हैं खासकर जो पानी निकासी की जो व्यवस्था होती है वो हम लोगों ने बर्बाद कर रखी है ये मेन रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कूड़ा करकट -कर भरा रहता है उसमें जब भी बारिश आती है और इसी के साथ में जो फंड आते हैं यहां पर हर साल हर एक सिटी के लिए इन सब चीजों को रोकने के लिए फंड आता है उस फंड का इधर उधर इस्तेमाल कर लिया जाता है गलत तरीके से वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो ये अर्बन फ्लड का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने देश के अंदर में भी पर लेकिन इसके साथ में अर्बन फ्लड से काम नहीं चलेगा ओनली क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर आ जाता है तो डेवलपमेंट के साथ साथ में जब आप लोग यहां पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करोगे तब जाकर सोल्यूशन यहां पर निकलेगा अभी यहां पर जो मुद्दा है ये ऐसा मुद्दा है कि इसको कई जगह से कनेक्ट कर सकते हैं अब पाकिस्तान क्या कह रहा है पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो ये बाढ़ आ रही है हमारे देश में ये हमारी वजह से नहीं है ये अमीर देशों की वजह से है। क्योंकि अमीर देशों ने जितने लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है आज तक वो रेस्पॉन्सिबल है तो उनको पैसा देना पड़ेगा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग बोले ना कि एक्ट ऑफ गोड कि भगवान की वजह से भूकंप आया और भूकंप की वजह से से हो गया तो पाकिस्तान इस तरीके जा वैसे हालांकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है पर यहां पर आप लोग क्या लगता है कि पैसा देना चाहिए कि अमीर देशों को गरीब देशों को या नहीं आप लोग खुद देखिए आज की डेट में देखिए क्या चाल देखो उन्होंने क्या खेली अठारह से मतलब अठारह सो पचास से मनाते हैं कि इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट होगी पहले जो कपड़े थे हाथों से बनाया करते थे वो मशीन से बनाना स्टार्ट कर दिया हर एक चीजें मशीन से बनने लगी तो एक इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हो गया उस इंडस्ट्रियल एज का सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों ने उठाया अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से डेवलप करने के लिए और अब जब हमारे जैसे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि कार्बन एमिशन हो रहा है भाई साहब तुमने तो पूरा मजा लूट लिया जब हमारी बारी आई तो नहीं कहते कि वो मैं करू तो राम रास ले ला तू करे तो कैरेक्टर ले ला कुछ करके नहीं था वैसा तो वो वाली चीज हो रही है यहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो क्लाइमेट चेंज जो है इनकी वजह से हो रहा है क्योंकि इन्होंने बर्बादी कर रखी है तो डेवलपिंग कंट्री को क्या करना चाहिए यहां पर हिस्टोरिकल जो ब्लेंडर उन्होंने किया है उसका इनको बेसिकली पैसा देना चाहिए पे करना चाहिए इनको जो भी कंट्री कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि इनको दोनों काम करने पड़ेंगे रेमेडी तो इनको देनी देनी पड़ेगी सोल्यूशन तो इसी के साथ में कंपनसेशन भी देना पड़ेगा तो ये बात यहां पर फिलहाल पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि हमारे देश में जो बाढ़ आई है वो हमारी वजह से नहीं है इन अमीर देशों की वजह से है तो इनको पैसा देना पड़ेगा तो ये हक एक तरीके से एक तो होता है मांगना कि भाई साहब मुझे पैसा दे दो तो मुझे जरूरत है हक मांगना कि ये हमारा हक है क्योंकि हमारी वजह से वही नहीं रहा है तो आप लोग क्या राय इसमें यस या फिर नो अगर बात करें यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब निकल कर आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है इनवोरमेंट के अंदर में उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होता है यहां पर बर्फ पिघल कर आती है वो बर्फ पिघल कर आती है तो उसकी वजह से ओशन का लेवल भी बढ़ रहा है अगर आज की डेट में बात करूं अपने देश के बारे में दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट टेमीटर है हमारा देश पर लेकिन फिर भी अगर हिस्टोरिकल एमिशन देखोगे ओनली तीन प्रतिशत है हम आज भी पेड़ की पूजा करते हैं गांव में जाकर देखोगे तो आज भी चार डालकर उसके पेड़ के नीचे सो जाते हैं ठीक है छतों पर सोना ज्यादा पसंद करते हैं लोग गांव में आप लोगों ने मच्छरदानी लगाकर छतों पर आराम से लेटते हैं तो ये सिचुएशन है हमारे देश में पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें दुनिया के अमीर देश होंगे उन्होंने कभी ये चीजें इंजॉय नहीं की होगी हम तो एंजॉय करते हैं इन चीजों को तो ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं तो लगभग पंद्रह साल अगर बात करें फिलहाल के टाइम पर चाइना ने अभी इसने एमिशन करना स्टार्ट किया है वरना अठारह पचास से लेकर अब तक देखो ग्यारह प्रतिशत ओनली चाइना का एमिशन रहा जबकि वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसकी है इस तरीके से समझ सकते हैं तो यहां पर वोर्सो इंटरनेशनल जो मैकेनिज्म है उसके हिसाब से अगर बात करो तो उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि लॉस और डैमेज ये देना पड़ेगा यहां पर अमीर कंट्री को गरीब कंट्री को ताकि वो सोल्यूशन निकाल सके तो सिचुएशन यहां पर निकल कर आ रही है तो आप लोग क्या सहमत हैं इससे या फिर आप लोग इस पर कोई डाउट करते हैं आप लोग यहां पर बता सकते हैं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल बातें कर रहे हैं ठीक है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोग इसके बारे में बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और किसको कैसे लेकर आप लोग चलते हैं बाकी अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस और सीरियस तरीके से एग्जाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग यूपीएससी के कोर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं इसी के साथ में सीडीएस का भी कोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और जल्द ही कुछ नई चीज भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है जैसा मैंने कहा था थोड़ा सा इंतजार करिए इसके बाद में आप लोग कई सारी चीजें और देखने को मिलेगी तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी अगर आप लोग सीरियस तरीके से एक डेढ़ साल अपना ढंग से डेडिकेट कर कर देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफी शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है तो इसको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं और अच्छा लगता है तो आप लोग दूसरों को भी बताया कीजिए क्योंकि अच्छी चीजें जितना आप लोग शेयर करोगे उतनी ही ज्यादा एक तरीके से दोस्तों एक शब्द है शक्ति और ये शक्ति शब्द जो है वो आप लोगों ने कई जगह यूज होता हुआ पाया होगा अभी मैं आप लोगों से एक और शक्ति के बारे में बात करूंगा और ये जो शक्ति है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से निकल कर आ रही है तो आप लोगों से यहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को कोयले के साथ में भी देखने को मिलेगा जो कोल होता है ना कोयला उसके साथ में देखने को मिलेगा ई के द्वारा कवर किया गया तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इस आर्टिकल को खुद कवर कर रही है अपनी स्कीम या पॉलिसी के बारे में बता रही है तो स्कीम और पॉलिसी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर है चार मेगावाट वो यहां पर कॉम्पिटेटिव बेसिस में फाइव फाइनेंस ऑन ऑपरेटेड के बेसिस पर यहां पर सख्ती पॉलिसी के तहत चीजें पर इंप्लीमेंट की जाएगी सख्ती पॉलिसी अगर सख्ती की फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल जाए तो कुछ चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे सख्ती का मतलब क्या है? स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया यानी कि कोयले को उसी इंसान को मिलना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से जो उस इंसान जो कि उसको हैंडल कर सकता है और जो कि उसके अंदर करप्शन न करे तो ये इस तरीके की पॉलिसी है यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी यहां पर रखनी है यहां पर कोई भी एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें यहां पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर उसका इस्तेमाल भी उतना ही गलत होता हुआ आप लोगों को हाँ पर नजर आएगा तो इसी से रिलेटेड यहां पर यह पॉलिसी है तो सख्ती पॉलिसी के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा इसमें जो की फीचर है इस स्कीम के तहत में यहां पर यह फोकस किया जा रहा है कि जो सप्लाई की जाएगी वो चार मेगावाट के लिए बिड यानी कि बोली लगाने की बात की जा रही है और सख्ती पॉलिसी के तहत यहां पर यह बोली लगाई जाएगी और यहां पर यह सारी चीजें जो हैं सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट की जाएगी अप्रैल 2023 तक का यानी कि आज के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो अप्रैल 2023 तक का यहां पर यह सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के द्वारा यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है एलोकेट करने के लिए 27 के करीब जो एम टी पी एम टी पी के अगर आप लोग इसको जाकर सर्च करोगे कोई भी टर्म ऐसी होती है ना मान लो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है ठीक है जैसे एम टी पी ए हो गया तो अगर आप लोग एक बार कोई जाकर इसको सर्च करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा और कई सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिल जाएगी पर लेकिन ये ऐसे शब्द हैं एक जगह यूज थोड़े ना हो रहे हैं हर जगह यूज होते हुए नजर आएंगे तो बेसिक मतलब क्या इसका मेट्रिक टन पर एनम ठीक है तो इनके वेट की एक तरीके से आप लोग मेजरमेंट इसको बोल सकते हो तो मैट्रिक टन पर एन यानी कि हर साल ट्वेंटी मैट्रिक टन पर एन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि एलोकेट किया जाएगा तो इसके बेस हाँ पर यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो स्टेट है यहाँ पर जो कि आज की डेट में कोयले की वजह से पावर शोर्टेज फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से बनाई जाती है तो अगर पता चला कि कोयले की खान जो है खदान उसमें पानी भर गया काफी लार्ज स्केल में पता चला जहां कोयले की खदान है वहां पर लोग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया काम ही नहीं कर रहे हैं पता चला लॉकडाउन की वजह से कहीं पर कोला फंसा पड़ा है वो बिजली के जो पावर प्लांट है वहां तक आई नहीं रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो कम हो जाएगा और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम होगा उस एरिया में हाहाकार मचेगी सोचो गर्मी की कड़कती धूप में यहाँ पर अगर बात करें उस टाइम पर जो एक बहुत ही तकड़े वाली गर्मी पड़ रही है लोगों के घर से बिजली एकदम गायब हो जाए और कईयों घंटों तक न आए तो कैसा लगेगा लोग जो है भाई साहब चीज़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देंगे तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो ऐसी कोई सिचुएशन न देखे और सारी चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में चलती रहे इसी के लिए यहां पर ये सख्ती पॉलिसी लेकर आई गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 2017 में ताकि चीजों को सिस्टेमेटिक वे में इंप्लीमेंट किया जा सके मतलब मतलब यह है कि कोयले को पावर सप्लाई के साथ में लिंक किया जा रहा है उसका ये एग्रीमेंट आप लोग ये ऑप्शन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है तो सबसे पहली बात तो क्या है जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं याद रखिएगा है, कोयले से जो बिजली बनाई जाती है उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बेसिकली बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं जिसके थ्रू बनाते हैं या फिर आप लोग थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि वट इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोयला इज कॉल्ड यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग ठीक है यानी कि कोयले के बनाई गई बिजली को क्या बोलते हैं हम लोग सोलर पावर बोलते हैं ठीक है जियो बोलते हैं या थर्मल बोलते हैं या कोयला पावर बोलते हैं तो उसको आप लोग थर्मल पावर बोलेंगे ठीक है तो कोयले से बनाई गई जो पावर है उसको थर्मल पावर बोलते हैं तो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू यहां पर ये यह बनाया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं ठीक है काफी ज्यादा फायदा इससे देखने को मिलेगा खासकर इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में और एक एरिया में नहीं जब ऐसा कुछ करेंगे तो ढांचागत विकास भी होगा और बैंकों को काफी पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी आप लोग बोलोगे कोयले का बैंक से क्या रिलेशन बहुत बड़ा रिलेशन है भाई साहब दुनिया भर के लोन ले रखे हैं कंपनीज ने जो बिजली बनाने वाली हैं और बैंक का पैसा ये पे नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से बैंक की खस्ता हालत होती यहां पर नजर आती है तो उनके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम पड़ता हुआ नजर आएगा अगर यहां पर हम लोग ये एरिया ढंग से अपना आगे लेकर चल पाएंगे तो डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट के कोयले पर है बाहर से जो विदेशों से कोयला खरीद कर लेकर आते हैं वो भी खत्म होगा और डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर में जो कोयला है वो हम लोग और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे इसका कहने का मतलब यहां पर यह कि और पॉजिटिव साइड में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे तो कोयले का एक अच्छा इस्तेमाल हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इसको है कि नहीं आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में आप लोग इसको क्या सोचते हैं तो ये काफी पॉजिटिव है जो कि आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा तो सख्ती पॉलिसी के बारे में कोई पूछे डायरेक्ट तो ये बेसिक चीज है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए शक्ति पॉलिसी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बने वैसे यहां से आंसर राइटिंग में आए तो आप लोग इसको लिख सकते हो वैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है बोला जा रहा है कि यहां पर कि जो शक्ति पॉलिसी है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है तो यहां इनकरेक्ट है सॉरी ठीक है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एम है यहां पर इंश्योर करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ कोल टू द ऑल थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया दूसरा बोला गया यहां पर इसकी हेल्प से यहां पर सपोज टू बी बेनिफिट जो एक तरीके से बेनिफिट इसका होने वाला है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर नोट द पब्लिक सेक्टर बैंक ये बोला गया है। तीसरा बोला गया एम की रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो सही आंसर यहां पर क्या है अगर आप लोगों के हिसाब से यहां पर बात करूं सबसे पहले तो आप लोग यहां पर यही आप लोग देखते हैं क्या बोला इनकरेक्ट बोला गया यहां पर और इनकरेक्ट में कौन सी है ये स्टेटमेंट डायरेक्ट मैंने बोला ना बैंकों को भी फायदा होगा तो यहां पर आंसर इसका ए हो गया तो ये स्टेटमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को फायदा पहुंचाने की बात मैंने डिटेल में किया आप लोगों से तो सख्ती पॉलिसी कब लॉन्च की गई किसके द्वारा लॉन्च की गई इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर ये पता होगा तो ये समझो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन पक्का और एक क्वेश्चन पक्का तो दो नंबर पक्के तो ऐसे चीजों को तैयार करना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप लोग कंफर्टेबल फील कर सको ना कि ये लगे कि यार ये क्या हो गया अनकंफर्टेबल आप लोगों को लगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये है पर्टिकुलर बेसिकली इंफॉर्मेशन छोटी सी छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है कोई डाउट हो तो बताना ओके दोस्तों जब हमारे देश में नीति आयोग के द्वारा कुछ बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि एक थिंक टैंक यानी कि शांति में बैठकर सोच समझकर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा कुछ बोला गया है और नीति आयोग बनाया भी इसीलिए गया था जब 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया तो नीति आयोग बनाया गया ठीक है तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर कर नीति आयोग बनाया गया था यह क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से पूछ चुकी है ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं और इवन ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है समझ रहे हैं आप लोग यहां पर तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों से पूछी जाती हैं और ये यूपीएससी पूछ रही है इसको ठीक है तो इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है तो ये एक तरीके का थिंक टैंक है जो कि सोच समझ कर काम करेगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम करता है यानी कि संघवाद के ढांचे के ऊपर काम करता है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर काम करेंगे ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो कई सारी चीज़ों के रोड मैप बना रखे हैं हमारे देश में नीति आयोग के द्वारा अमृत मिशन डिजिटल इन अटल इनोवेशन ये किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को लेकर चलना है एग्रीकल्चर को कैसे लेकर चलना है बहुत सारी ऐसे रिफॉर्म के बारे में ये बात करता है पर्टिकुलर सिस्टम जो हमारे देश में लाया गया इसका पर्पज ये था कि चीजों को सोच समझ आगे किया जा सके कि। उसी नीति आयोग ने क्या बोला अभी कि डी कार्बनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन यानी कि जो इंडस्ट्री के द्वारा जो एमिशन छोड़ा जा रहा है उसको डी कार्बन करना है यानी कि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसको कंट्रोल करना है आखिर नीति आयोग ने ऐसा क्यों सोचना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारे रीजन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी इससे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी फिर आगे 28 आप लोगों को देखने को मिलेगी इन सब चीजों का बेसिक मुद्दा यह है कि हम लोग सिचुएशन को इस तरीके से रखें ताकि हम लोग 2070 में कार्बन में जो का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको बोला है हम लोगों ने नेट जीरो कर देंगे तो नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग यूज करना बंद कर देंगे चीजें नेट जीरो का मतलब होता है कि जितनी चीजें ये बिल्कुल ऐसी है साधारण सा उदाहरण जितने पेड़ काटे उतने ही पेड़ लगा दो इस ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा तो इसी के लिए यहां पर सी सी यूएस ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो आप लोग सिस्टम बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी कि जो कार्बन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको कैप्चर करो जैसे कि यहां पर इसको कैप्चर करने की एक विधि दिखाई जा रही है और उसको फिर आगे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो और उसको स्टोर भी कर सकते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक पोल्यूटेड एक मटेरियल है उसको आप लोग निकाल सकते हो इन्वायरमेंट से और ये बहुत तरीकों से इन्वायरमेंट में जाता है जैसे स्टील बन रही है सीमेंट बन रहा है ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर ये सब यहाँ से सब जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आता है तो हमारा बेसिक पर्पज ये है कि हम लोग दो तक का हमारा टारगेट रखा गया है कि कार्बन एमिशन को आधा करना है तो ये हाँ पर फोकस देते हुए जो कि यहां पर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सिस्टम है नीति आयोग ने इसके थ्रू यहां पर चीजों को प्रिपेयर किया है तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं ठीक है तो ये एक ऐसी चीज है जो कि कम से कम एटलीस्ट माइंड में तो आप लोग जरूर क्लियर रखेगा क्योंकि कल को कोई पूछने की मतलब क्या है क्या क्या चीजें हैं तो जब आप लोगों को पता होगा तो फिर आप लोग चीजों को समझ भी कर पाएंगे और चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस दिया जा रहा है अभी पहले याद रखना 2050 तक का टारगेट है तो इसके लिए सबसे पहले तो सोचने की जरूरत है यानी कि हर एक लेवल पर हम लोग काम करेंगे तभी चीजें आगे होगी ना अगर सोचेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा तो इस रिपोर्ट में कई सारी चीजें यहां पर बताई गई है यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों क्या करना है जो सीओ टू है ठीक है आप लोग उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको देखना है कैसे स्टोर करेंगे और मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इसको लेकर ठीक है तो वो देखेंगे किस तरीके से कौन इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और इकोनॉमी के अंदर में ये जरूरी भी है जब कोई भी काम नया स्टार्ट किया जाता है उसके अंदर लोगों को काफी जॉब भी मिलती है तो इसके चलते जो इकोनॉमी बढ़ेगी तो वहां पर भी आप लोग को इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होता हुआ नजर आएगा ठीक है तो ये आप लोग देख सकते हैं और कार्बन जब कैप्चर किया जा रहा है यहाँ पर तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि आठ से लेकर दस मिलियन फुल टाइम ये इतने लार्ज स्केल पर आप लोगों को इंप्लॉयमेंट बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा देखो यार आप लोग इसको समझने में जब किसी चीज को समझते हो ना अगर मान लो मैं आप लोगों से बोलूँ आप लोग कूड़ा मत फैलाया करो ठीक है आप लोग बोलोगे यार हमारे कूड़ा फैलाने से क्या होता है दुनिया कूड़ा फैला रही है ठीक है हमने जरा सा कूड़ा फैला फैलाया तो उसमें क्या हो जाएगा तो इसको सोचकर देखो अगर हर एक इंसान जो जो कूड़ा फैला रहा है वो कूड़ा फैलाना अगर बंद कर दे तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर आ सकता है ठीक है तो यहां पर इसी के ऊपर बात की जा रही है कि आज की डेट में हम लोग कैप्चर करने की बात करें दो तक सात ये मीट्रिक टन पर एन एम यानी कि हर साल इतना हम लोग इसको कैप्चर करेंगे और इसको कैप्चर करने का जो प्रोसीजर होगा जो सिस्टम स्टेब्लिश किया जाएगा उससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी यहां पर तो कुछ भी काम हो कूड़ा उठाने का काम हो उसमें आप लोग देखो ऐसे तो नहीं कि हाँ हवा में उठ जाएगा फूक मारो कूड़ा उठ जाएगा उसके लिए जॉब देनी पड़ती है उसके लिए लोगों को लगाना पड़ता है मुंसिपल कॉर्पोरेशन आप लोगों को काम करती है, नजर आती है तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ब्रॉड लेवल पर पॉलिसी का आना काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर अगर ये काम हम लोग को करना है नेशनली जो डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन है हमारा यानी कि नेशनल लेवल पर हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग सही करना चाहते हैं उसके ऊपर हम लोग को फोकस देना पड़ेगा और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूस करना पड़ेगा जो एक्ट जो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से इम्पोर्टेंस है कि रिड्यूस करो जो एक तरीके से इम्पोर्टेंट क्या है कि रिडक्शन इन द स्ट्रेटर्जी टू अचीव द डिकार्बोनाइजेशन तो उसके ऊपर आप लोग काम करना पड़ेगा ठीक है तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कैसे रिड्यूस करना है उसके बारे में एक स्ट्रेटर्जी बनानी है डिपेंडेंसी फोसिल फ्यूल के ऊपर कोयले के ऊपर तेल के ऊपर उसको कैसे खत्म करना है वो भी जरूरी है सबसे बड़ी बात है मैं आप लोगों को बोलू कि आप लोगों को छह महीने में एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोगों को सबसे पहले सुनते ही सिलेबस उठा के लेकर आना है कि सिलेबस देखो यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सिलेबस आ गया चलो क्वेश्चन पेपर देखे जाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर हैं वो सामने आ गए अपना लेवल देखा प्रैक्टिस करके तीन चार क्वेश्चन पेपर अच्छा अपना इतना लेवल है इतना एफर्ट डालना पड़ेगा अच्छा पॉलिटी तो अच्छी है एस से पढ़ रखी हम लोगों ने पर लेकिन क्या नहीं अच्छा है यार जोग्राफी अच्छी नहीं है तो उसके लिए कुछ करते हैं ठीक है करंट तो यार अच्छा है उसमें तो मजा आता है पर यार हिस्ट्री में इतना मजा नहीं आ रहा है उसको क्या किया जाए तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड जो है वो चर्निंग करना स्टार्ट कर देगा आप लोग फिर उसके ऊपर काम करोगे और फिर सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं ठीक है तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसके लिए आप लोगों को स्ट्रेटी बनानी पड़ेगी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ये एक मेथड है जो कि यह टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आप लोगों को जो गैस है यहां पर हम लोग को एटमोसफेयर से इसको हटाना है ठीक है तो यहां पर सीओ टू जो कैप्चर किया जाता है यहां पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कन्वर्ट किया जाता है एक फ्यूल रेफ्रिजरेंट के तौर पर ठीक है तो ये एक तरीके से याद रखिएगा इसको एक तरीके से यहां से क्वेश्चन ही बन सकते हैं आप लोगों से और एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आगे चलकर और कंसिडर किया जाता है कि काफी हेल्प करेगा कंट्रीज को जो अपना एमिशन कम करने वाली है दो तक का आधा और नेट जीरो दो तक का तो उनके लिए भी सजेशन है यूएसए का टारगेट है कि नेट जीरो दो तक करेंगे चाइना का टारगेट है दो सार्थ, सार्थ तक करेंगे और इंडिया का टारगेट कब तक है ये आप लोग बताइए चैलेंज एसोसिएटेड क्या है इसके साथ में एक तो एक्सपेंसिव है ये आसान तरीका नहीं है ठीक है आग का दरिया है और तैर के जाना है या फिर डूब के जाना है ठीक है इसी के साथ में लेस डिमांड है फॉर रिसाइकिल्ड सीओ टू के लिए तो ये लेसर एक तरीके से ये भी देखने को मिलेगा तो ये कई सारी हर कोई भी काम करोगे ना उसमें हंड्रेड आप लोग बोल दो कि सब कुछ ऐसे काम हो जाएगा तो देखो वो तो नहीं होने वाला है कुछ कुछ चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी और आराम आराम से काम लेकर चलना पड़ेगा तो तब जाकर सिचुएशन जो है वो आप लोगों के हाथ में आएगी यानी कि सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को काम करना पड़ेगा पर लेकिन अगर आप लोग करना सीख गए तो फिर मजे भी इतने आएंगे इसके एप्लीकेशन अगर सी सी यू एस के आप लोग बोलो तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि क्लाइमेट चेंज में कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे सबका टारगेट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लो वैसा पकड़ लो घेर लो ये रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो भी चीजें रहेंगी उसको हम लोग सही तरीके से लेकर चल पाएंगे एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो वहां पर भी आप लोग देखते हैं सही से हम लोग चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे क्योंकि वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ता है काफी लार्ज स्केल पर कार्बन डाई ऑक्साइड का ये आप लोग याद रखेगा और काफी लार्ज लार्ज स्केल पर मेथेन या फिर कार्बन डाई ऑक्साइड से खेतों में पुआल जला दिया वो सब चीजों से भी आप लोगों को चीज़ देखने को मिलती है यहां पर इनहेंस होगी ऑयल रिकवरी तो ये भी एक सिस्टेमेटिक वे में आप लोगों को चीजें होती है नजर आएंगी यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग अगर इसको लेकर चलोगे तो डिपेंडेंसी भी कई सारे देशों के ऊपर हमारी जो है वो आप लोगों को कम होती है यहां पर नजर आएगी यानी कि आप लोग सारी चीजें ना जैसे कि ऑलरेडी कई सारी हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में प्लान बना रहे हैं तो ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में अगर बात करेंगे या इंडियन ऑयल कॉर्परेशन है तो वहां से आप लोग देखते हैं हम लोग सीओ टू का अगर लेकर आएंगे ढंग से तो हम लोग फिर ढंग से चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे ठीक है तो ये कहने का मतलब यहां पर ये यह कि आज की डेट में जितने भी हम लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए आप लोगों को नजर आते हैं तो सब जगह फायदा होगा अगर हम लोग चीजों को ढंग से लेकर चलेंगे तो आप लोग ही क्या रहा है इसके बारे में तो ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है नीति आयोग की तो इसके बारे में आप लोग कुछ कुछ ये बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा कल को क्वेश्चन बन जाए तो ये मतलब लगे कि यार कहां से आ गया क्वेश्चन ये क्या है क्या है ये पर्टिकुलर ये सिस्टम डीकार्बनाइज करना ये सी सी यू एस क्या है ये तो यार कुछ नया आ गया शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी यार ये क्या हो गया तो हड़बड़ाना नहीं है ऐसे आप लोगों को इतना तैयार मैं कर दूंगा कि आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे एग्जामिनेशन हॉल में ठीक है फीडबैक जरूर देना कि क्या डाउट है कैसे रहा उसके बारे में पूछ सकते हो ओके दोस्तों कल एक चीज काफी अच्छी लगी मुझे कई सारे बच्चों ने मेल किया कि सर आंसर जो है वो जल्दी पोस्ट मत किया करो पहले एक बार हमको लिखने के लिए ट्राई कर लेने दिया करो एक्चुअली कल क्या था जैसे कि जो वहां पे आंसर पोस्ट करते हैं जो सर उनको कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने क्वेश्चन के साथ में ही मिनट के गैप पे आप लोगों को डेमो आंसर आंसर प्रोवाइड करा दिया जो कि मॉडल होता है है ठीक तो यहां पर तुरंत जो है कई सारे बच्चों के मेल मुझे देखने को मिले कि सर थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए उसके बाद में मॉडल आंसर दिया कीजिए तो फिर मैंने सर से बात की है तो अब आपके बाद में जो मॉडल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा वो बारह बजे के बाद ही प्रोवाइड कराया जाएगा ठीक है ताकि आप लोगों के पास में सफिशेंट टाइम रहे जो आप लोग लिख सको अपना आंसर और अपना आंसर लिखकर पोस्ट कर सको उसके बाद में ही आप लोगों को उसका मॉडल आंसर देखने को मिलेगा ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आप लोग अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करने के बाद में जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है आप लोगों को पता चल गया उसके बाद में जब आप लोग के सामने आंसर की आती है तो आप लोग को पता रहता है कि अपना पेपर को कैसे आप लोग एनालिसिस करना है तो इससे आप लोग एक सही डायरेक्शन में अपने आप को लेकर चल पाते हो ठीक है यानी कि अगर खुद से पहले नहीं लिखोगे तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ जो मिला है उसी को देख के लिख दिया ये उनके लिए तो सही है जिन्होंने कभी आंसर नहीं लिखा है पर जो ऑलरेडी लिख लिख कर थोड़ा सा अपना हाथ जमा चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा ये दुखदाई होता है ठीक है तो आप लोग ट्राई करो खासकर जब तक आन, आंसर नहीं आता है तब तक मॉडल आंसर नहीं आता है तब तक आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से कवर कर सको ठीक है और सर से मैं बोलूंगा कि एक तरीके से कि जो भी कोशिश है एक तरीके से कोशिश की जाए कि बारह बजे के बाद या फिर एक डेढ़ बजे के बाद ही आप लोगों के पास में वो आंसर आए या फिर शाम को भी डाला जा सकता है ताकि पूरे दिन आप लोग अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है अपनी प्रैक्टिस कर लो और शाम को फिर मॉडल आंसर देख लो एक बार तो उसमें आप लोग अच्छे से अपने आप को एक सही डायरेक्शन देकर चल पाओगे ठीक है इसके बारे में बताना क्या आप लोग चाहते हो किस तरीके से इसको फॉलो किया जाना चाहिए ठीक है बाकी अगर आप लोग भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर है या तो एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हैं आप लोग या फिर इसको स्कैन कर कर अपना जो ये पर्टिकुलर स्क्रीन शॉट है वो पेमेंट का आप लोग को इस नंबर पर भेज देना और वेट कर लेना थोड़ा सा चौबीस घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को पूरा प्रोसीजर जो, जो है वो शेयर कर दिया जाएगा आसानी से आप लोग इस पर्टिकुलर जो ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं ठीक है सीरियस ग्रुप है तो आप लोग भी ज्वाइन करते ही सीरियस रहिएगा थोड़ा सा ताकि लगे कि हाँ एस्पायरेंट्स है क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको रिसेंटली अभी ब्लॉक किया गया है एक दो आ जाते हैं मछली जो होती है गंदी तालाब को गंदा करने के लिए तो उनको निकाल के फेंक दिया गया तो ये आप लोग यहाँ पर ये मत सोचेगा कि यहाँ पर निकाल के नहीं फेंका जाएगा अगर बदतमीजी काटे जाएगी तो इसलिए सीरियस हो वही यहाँ पर आकर कनेक्ट करना ठीक है दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है और यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आएगी जिसको बोलते हैं सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम सुनकर ही आप लोगों को ये याद आता है कि हमारे देश में जो भी स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो भी काम धंधा चल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में उसको ऊपर से देखना कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है पर लेकिन आप लोगों को पता है कि बदतमीज़ लोग जो हैं वो बदतमीजी की प्रकाष्ठा पार करते रहते हैं और गड़बड़ी करते रहते हैं तो उन्हीं के ऊपर नज़र रखने के लिए बॉडी रहती है पर फिर भी गड़बड़ी चलती रहती है ऐसी ही एक गड़बड़ी है इनसाइडर ट्रेडिंग नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ अंदर की बात जो है उसका फायदा उठाया जा रहा है मतलब के लिए थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाता हूं अगर आज की डेट में आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर आप लोग मिनिस्ट्री के अंडर में हो या आप लोग नहीं मतलब आप लोगों को कोई जानने वाला कोई डिपार्टमेंट के अंदर में है किसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो एक तरीके से हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री है उसमें आप लोगों का कोई जानने वाला आदमी है वो जानने वाले आदमी ने यह बता लगा के आप लोगों को बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक हाईवे निकलने वाला है आज से लगभग सात या आठ महीने बाद उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है जैसे ही यहाँ पर यह बात आप लोगों को पता चली जब तक मार्केट में बात नहीं आई है अब तक ना किसी न्यूज़पेपर में आई ना गवर्नमेंट ने पब्लिक किया पर आप लोगों को पता चल गई आप लोगों ने उस हाईवे के आसपास में कई बिघे ज़मीन जो है वो लेकर डाल दी उस टाइम पर इस ज़मीन का भाव जो है वो ऐसा ही होगा पाँच सात आठ दस एक तरीके से लाख रुपए बीघा इस पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए पर लेकिन जैसे ही हाईवे पास हो गया तुरंत इसका भाव जो है वो ट्रिपल टाइम या चार गुना हो गया तो यानी कि जो लोग पैसे को डबल करने में दस दस साल बीस बीस साल लगाते हैं आप लोगों ने वो आठ दस महीने में पैसा जो है वो डबल कर डाला क्या हुआ ये ये हो गया कि अंदर की बात आप लोगों को पता चली और आप लोगों ने इन्वेस्ट कर डाला और इसकी वजह से आप लोगों की लाइफ हो गई झींगा लाला हुआ कि नहीं हुआ ये होती है इनसाइडर जो बात उसका पता करना और इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है चलिए यहां तो ये उदाहरण आप लोगों का सेट बैठ गया अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में सेबी के द्वारा ऐसा स्टेप क्यों उठाया गया और यहां पर क्या दिक्कतें होती है अगर यहां पर बात करें सेबी के बारे में तो उसने रिसेंटली अभी कुछ चीजों में चेंज किया है यानी कि अमेंडमेंट किया है ताकि जो भी बाई फिर सेल किए जा रहे हैं म्यूचुअल फंड यूनिट इन ट्रेडिंग रूल के तहत में उसको टैकल किया जाएगा मतलब सेबी ने कैटेगराइज किया है कि जो फ्रंट रनर होते हैं ऐसा के जो आगे दौड़ने वाले एक कैटेगराइज किया गया कि फ्रंट रनिंग ये एक फॉर्म ऑफ मार्केट मैन्युपुलेशन होता है जिसमें इन ट्रेडिंग के तहत जो जिनके पास में फंड वगैरह हो होता है तो एक तरीके से वो काफी फायदा उठाते हैं तो एक तरीके से इन ट्रेडिंग और पिनलाइज किया जाएगा इस तरीके के जो फंड हाउसेज हैं जो कि ऐसी एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं क्या करते हैं ये फ्रंट रनर अगर आखिर क्यों इनको पनिश करने के बेसिकली मोड में आ गई है सेवी ये क्या करते हैं जैसे इनको पता चलता है कि यहां पर सड़क बनने वाली है तो एडवांस में बहुत सारे शेयर ये परचेज करके बैठ जाते हैं जैसे कि यहां पर जमीन परचेज कर ली ऐसे ही अगर कोई मार्केट में कोई भी ऐसा कुछ ऐसा पब्लिकली आने वाला है तो ये क्या करेंगे ये दुनिया भर का पैसा लगा डालेंगे ये कौन होते हैं डीलर होते हैं ट्रेडर होते हैं या फिर फंड मैनेजर होते हैं जिनके पास में अच्छा खासा फंड आप लोगों को देखने को मिलेगा इन साइडर ट्रेडिंग जो है वो एक प्रैक्टिस होती है जिसमें परचेजिंग या फिर सेलिंग की जाती है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की जब तक की पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं आई उससे पहले यहां पर दाव मार के निकल जाते हैं तो इसकी वजह से जो जेनविन लोग बैठे हुए हैं जिनको ऑलरेडी इसके बारे में वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा यार हमारे भी कुछ फायदा होगा हम भी कुछ खरीदेंगे हम भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे जब तक मार्केट में चीजें आती है तब तक काफी कुछ चीजें खत्म हो चुकी होती हैं और जो बची हुई होती हैं उनका प्राइस जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि चाहने वाले ज्यादा हो गए और माल जो है वह है मार्केट में कम इसकी वजह से काफी एक तरीके से शॉर्ट टाइम के लिए एक बूम टाइप का आप लोगों को देखने को मिलता है पर लेकिन जैसे ही जो खरीद के बैठे हैं वो अपना माल मार्केट में उतारने स्टार्ट करेंगे तुरंत जो है फिर प्राइस नीचे भी जाता हुआ नजर आएगा तो इसलिए कई सारी यहां पर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे नहीं कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि, कि किसी एरिया में प्याज का भाव काफी ज्यादा बढ़ गया जो प्याज होते हैं जिसको गंठे बोलते हैं ठीक है तो प्याज को मतलब गंठे बोलते हैं हमारे साइड में लोकल भाषा में तो जो प्याज होती है जो गंठे होते हैं इनको कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में प्राइस बड़ा बढ़ता है टमाटर देख लो यार इसमें क्या होता है इसकी दिक्कत किसकी वजह से होती है उसको गोदाम में भर के रख दिया और मार्केट में उतार ही नहीं रहे जब मार्केट में कमी हो गई तब उसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया तब थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट किया ऑयल बेचने वाली कंपनी भी तो सेम करती हैं वो सारी मिलकर उन्होंने एक ओपैक ग्रुप बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री तो ये जो ओ ग्रुप है ये इसी काम को करते हैं कि जब मार्केट में तेल का भाव इनको बढ़ाना होता है तो मार्केट में प्रोडक्ट की कमी कर देते हैं यानी कि तेल प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं जैसे इनको लगता है कि हाँ ये भाव अच्छा है फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है तो आई होप कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में बिल्कुल हो गई होगी और कोई डाउट हो तो बताना और ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि कई बार को समझ में नहीं आते हैं पर लेकिन एक बार आप लोगों को बेसिक चीज समझ में आ गई तो फिर तो कोई मतलब टेंशन ही नहीं है फिर तो मजे है जिंदगी के है कि नहीं खुश रहा करो चीजें पढ़ते रहा करो सीखते रहा करो ठीक है क्योंकि जिंदगी में नए चैलेंज लेने से नहीं डरना है डरोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कतें नजर आएंगी हर जगह तो इसलिए हैप्पी रहना सीखो यार खुश रहोगे तो उस काम को करने में मजा आएगा और आप लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी ओके अच्छा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या आप लोगों ने कभी आस में देखा है किसी ऐसे इंसान को जिसने सांप जिसको सांप ने काट लिया हो या किसी ऐसे इंसान की डेथ हो गई हो सांप के काटने की वजह से आसपास में कभी आप लोगों ने कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो जरूर सुनी होगी कि फुलाने का इंसान जो था वो खेतों में था वहाँ पर सांप ने काट लिया किसी के घर में सांप निकल गया तो ऐसी हमारी कंट्री में बड़ी नॉर्मली ऐसी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती है और ख़ासकर पहले तो एक तरीके से नहीं ऐसे जैसे मैं अपनी बताऊँ जैसे हम लोग पहले गाँव के अंदर रहा करते थे पर फिर हमने एक ज़मीन खरीदी गाँव के बाहर और फिर गाँव के बाहर थोड़ा जाकर रहने लगे आस में पहले खेत हुआ करते थे तो कई बार जो है वो सांप निकल कर आ जाया करते थे लेकिन अब तो जो है दूर दूर तक यहाँ पर घर बन चुके हैं आसपास में वो लग रहा है कि फिर से जो है निकल कर आते हैं खेतों में अगर मैं आप लोगों को बात करूं ट्यूबवेल है तो जैसे पापा जी कई बार जाते हैं खेतों में पानी वानी चलाने के लिए तो आज की डेट में जैसे हमारा जो खेत में जो एक नहीं एक रूम टाइप का बना है जिसे कोठड़ा बोल देते हैं नॉर्मली तो उसके अंदर कई बार सांप निकल जाते हैं आज की डेट में भी अभी कुछ दिनों पहले ही पापा से बात हो रही थी तो उनके द्वारा बोला गया कि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है ठीक है हालांकि वो कभी मारते नहीं है उसको मतलब कुछ इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं ताकि ये ऐसी चीज़ें यार देखो सबकी अपनी अपनी चीजें होती हैं देखने में श्रद्धा की कैसे करना है क्योंकि इतने सारे निकलते हैं किस चीज़ को मारे तो छोड़ देते हैं ऐसे ही जंगल में ठीक है तो अभी अगर बात करूँ मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ वो सुनकर आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे अगर मैं आप लोगों को एक डेटा बताऊं आई सी एम आर ICMR क्या है? इसको बोलते हैं इसके हिसाब से अगर मैं बात बताऊं आप लोगो, में जितने भी लोगों, लोगों को, दुनिया में जितने भी लोग सांप के काटने से मर रहे हैं उसमें से पचास प्रतिशत लोग जो है वो हमारे देश के अंदर अकेले मर रहे हैं तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप का काटना जो है वो कितनी खतरनाक बीमारी कैटेगरी में आ रखा है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हम लोग पुरा, पुकारते हैं यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका ये मानना है कि अगर हम लोग जाएं आज की डेट में ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल एरिया मतलब जैसे यहां पर बीच में इक्वेटर हो गया यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैफ्रिकोन हो गई तो इसके आसपास वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है तो ट्रॉपिकल एरिया में ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाने की बात की जा रही है क्यों क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसको लोग जो है आसपास में हैं काट भी रहे हैं सांप लोगों की जान भी जा रही है पर लेकिन किसी का फोकस ही नहीं है कि हाँ ऐसी कोई बीमारी भी है तो उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है इस बीमारी को सांप के काटने को हल्के में लेकर इसको छोड़ दिया जाता है और इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जो है वो डेथ होती है और मैंने अभी बताया कि पचास प्रतिशत तो हमारे देश के अंदर अकेले डेथ होती है दुनिया की तो ये तो समझ में आ गया पर लेकिन इसको अभी अभी डिस्कस डिस्कस क्यों कर कर रहे हो यार यार ये बताओ इसको इसलिए रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड स्नेक डे जो है वो यहां पर सेलिब्रेट किया गया तो उसके चलते यह बोला गया कि हमको एक ऐसी दवाई बनानी पड़ेगी जो कि एंटीवैनम हो मतलब जो कि विश्वरोधी हो यानी कि सांप के काटने के बाद में जो जहर चढ़ता है तो उससे इंसानों को बचाया जा सके एक ऐसी दवाई डेवलप करनी पड़ेगी आप लोग बोलोगे क्या ऐसी दवाई नहीं है ऐसी दवाई किसने कहा नहीं है है पर लेकिन सब जगह इफेक्टिव नहीं होती है ये दिक्कत देखने को मिलती है अभी मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है अभी मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि जो ये आप लोग को ग्रीन सांप देखने को मिल रहे हैं जिसको बोला है ग्रीन पिट वाइपर तो ये जो ग्रीन पिट वाइपर है इसके लिए एंटीवेनम हमारे पास में नहीं है इनके इसके जो जहर है उसका काट हमारे पास में नहीं है जो हमारे पास में है वह यहाँ पर रोसेल वाइपर तो उसके लिए तो है पर लेकिन इसके लिए यहां पर नहीं है तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है खासकर ये वाला जो रीजन है इस एरिया में ये केसेस जो है बहुत ज्यादा निकल के आते हैं यानी कि सांप के केसेस बहुत ज्यादा हैं अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त था तो यहां पर उसका भाई था तो उसकी जो पोस्टिंग आ रखी आर्मी में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में तो वो बता रहा था यार बड़ी बुरी दिक्कत देखने को मिलती है भाई ये बता रहा था कि एक तरीके से कि बच्चों को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत रहती है पता नहीं कब सांप निकल के आ जाए तो ऐसे इश्यूज बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है अब तक जो भी बातें मैंने बताई है हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यार सांप के काटने से कहा इतने लोग मरते हैं कहां हम लोगों ने इतने सुना है ठीक है हाँ ठीक है सांप ने काट लिया पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है आप लोग समझ सकते हैं कि सांप के काटने से यहां पर वन मिलियन केसेस निकल कर आते हैं यानी कि चौदह लाख के करीब जो केस है वो आप लोग को देखने को मिलेगा सांप के काटने के निकल कर आते हैं और वो तो तब है जब अंडर रिपोर्टिंग की जाती है यानी कि कई बार तो पता ही नहीं चलता है जैसे कई बार सुना होगा आप लोगों ने बहुत सारे रेप होते हैं देश के अंदर पर लेकिन कई बार रिपोर्ट नहीं करते इज्जत बेजती की वजह से पर लेकिन किसी को दूर दराज वाले किसी गांव के किसी खेत में किसी को सांप ने काट लिया किसको पता चलता है कि किसी को सांप ने काट लिया तो लगभग एक लाख पच्चीस हजार फैटिलिटीज एनुअली यानी कि हर साल सवा लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है सांप के काटने से तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक है अभी अगर बात करें जो ग्रीन पिट वाइपर है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है यानी कि ये जो काटता है इसका जहर ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना रिसल वाइपर का है पर लेकिन दिक्कत क्या होती है जब ये ग्रीन यानी कि जब ये हरा सांप काटता है तो दिक्कत क्या होती है बॉडी के अंदर में वो काफी ज्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी के अंदर जब इसका जहर जाता है तो वो क्लोटिंग नहीं होने देता है क्लोटिंग मतलब आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर थोड़ा सा कट जाए तो वहां पर खून निकलेगा बाहर और फिर थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा जैसे वो थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जरा सी देर में एक दो दिनों के अंदर फिर वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है और फिर वो एक परत जम जाती है ब्लैक ब्लैक जिसको नॉर्मली हम लोग अपनी भाषा में खुरंट बोलते हैं खुर जम गया ठीक है आप लोग कुछ और शब्द हो सकता है यूज करते हो तो जो ख्रंट जम जाता है उसके ऊपर में तो फिर वहां से क्या होता है कुछ दिनों बाद वो गिर के निकल जाता है और ये एक तरीके से हमारी बॉडी अपने आप करती है पर लेकिन जो ख्रंट जमता है वो जो थक्का जमता है उसका खून का वो क्लोटिंग ही नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर में आप लोग ऐसा बोल सकते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि जो ग्रीन जो यहां पर यह सांप है इसका जो जहर है वेनम, ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसकी वजह से यहां पर क्लोटिंग नहीं हो पाती है तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है और स्नेक बाइट जो है वो आप लोगों को यहां पर जब नजर आती है तो कई सारे ऐसे इश्यूज फिर निकल कर आते हैं तो मुद्दा क्या है कि जिसकी दवाई है उसको तो हम लोग बचा लेते हैं बाकी जिसकी दवाई नहीं है उसके ऊपर काम करना जरूरी है तभी यहां पर इतने सारे लोगों की हम लोग जान जो है बचा पाएंगे अब ये जो डेटा मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूं आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे जैसे कि यहां पर देखिए मैंने बताया अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग चौदह लाख के करीब केस आते हैं सांप के काटने के जिसमें से एक लाख पच्चीस हजार के लोगों की जान चली जाती है दुनिया में इसमें से छालीस हजार लोग जो है वो अकेले इंडिया के अंदर जाते हैं आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बात करें हमारे देश के अंदर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अगर इसको आप लोग देखोगे जिसमें सबसे ज्यादा डेथ होती है यहाँ पर सांप के काटने से तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि कई सारे राज्य आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पर कितने लोगों को काटा कितनों की डेथ होगी ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है ठीक है ये अब जो डेटा है पुराना है पर लेकिन आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु ये सी के साथ में छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर ये इनका डेटा दे रखा है नॉर्मल बाकी नॉर्थ ईस्ट का तो डेटा ही नहीं है पर कई बार काउंट नहीं होता है इतना आप लोगों को देखने को मिलेगा इसीलिए बोला कि अंडर काउंट है कई बार काउंट नहीं होता है तो ये कुछ टाइम का ड्यूरेशन का आप लोगों को बताया गया जिसकी वजह से जो फार्मर और जो लेबर हैं उनको तो काफी ज्यादा दिक्कत इसकी वजह से देखने को मिलती है कई बार कई बार यूपीएससी आप लोगों के जब मजा लेने पर आती है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया करती है जैसे कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया बड़ा इंटरेस्टिंग सा बोला गया यहाँ पर कुछ स्पीसीज के बारे में बोला गया कि जो टर्टल यानी कि जो कछुआ होता है उसकी कई सारी जाति ऐसी हैं जो कि की यानी कि जो ऐसी हैं जो कि सा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो शाकाहारी ठीक है ऐसे यहाँ पर मछली की जातियों को बोला गया है ये भी इस तरीके से बोला गया है कि शाकाहारी है। हैं ऐसे यहाँ पर कई सारे मैरीन जो मेमल्स हैं ठीक है तो यानी कि कई सारे जो समुद्र में स्तनधारी जो जीव हैं वो भी आप लोगों को शाकाहारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे पर लेकिन जब सांप के बारे में बात की गई यहाँ पर स्नेक के बारे में तो यहां पर बोला कि हाँ यहां पर यह वीवी पॉइस इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यहां पर ये यह होता है नॉर्मली सांप जो है वो अंडे देते हैं पर लेकिन कुछ सांप की जाति ऐसी भी है जो कि अंडा नहीं एग नहीं वो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करती है तो ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा गया तो आंसर क्या है ए में बोला गया वन एंड थ्री बी में बोला गया टू थ्री फोर में बोला गया टू थ्री फोर टू फोर और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके सारे के सारे आंसर जो हैं वो आप लोगों को सही देखने को मिलेंगे ठीक है तो ऐसे डिफरेंट से क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाते हैं तो कई बार ऐसा नहीं कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वहीं से ही क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा क्वेश्चन आ जाता है पर लेकिन जब ऐसा दिखाओ ना सम टाइप में लिखा हो सम है तो यहां पर मैक्सिमम 99 परसेंट जो रहता है वो आप लोगों को सही देखने को मिलेगा ठीक है सम मतलब हो सकता है कोई ऐसी ऐसा थोड़ा ना कि सारी चीजें ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साकार हाँ हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं मास हाँ बिल्कुल हो सकता है कुछ लोग ऐसे जो दोनों खाते हैं जी हाँ बिल्कुल हो सकता है तो इस तरीके से आप लोग एक देख सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट होती है आप लोग थोड़ा सा अगर यहां पर कॉमन सेंस यूज करोगे ना एग्जाम के अंदर में तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप लोग निकाल लोगे आराम से क्योंकि हाँ पर इस तरीके से होता है मैक्सिमम टाइम आप स्टेटमेंट जो है वो यानी कि सत्य देखने को मिलेगी नाइनटी हो सकता है 1 गलत हो, पर नाइनटी नाइन परसेंट आप लोगों को सही देखने को मिलती है तो ये यह है यहां पर पूरा टॉपिक ठीक है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब एक क्वेश्चन पूछोगा यहाँ पर जो कि आप लोगों को बताना है कि ये वर्ल्ड स्नेक डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो ये आप लोग को बताना है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले कोरोना जो है वो दुनिया में इतना फेमस क्यों हो गया ठीक है कोरोना ऐसा लग रहा है कि कोरोना एक कि किसी स्टार का नाम है जिसको हर कोई जानता है ठीक है नॉर्मली इंसान को ये एक ऐसा, एक ऐसा वायरस आया जिसको हर दुनिया के कोने कोने में एक एक इंसान जानता हुआ कोरोना ठीक है तो यहाँ पर ये यह जो कोरोना है यहाँ पर तो ये कोरोना फेमस हो गया इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि इसने सबको अपने लपेटे में लिया चाहे कोई अमीर हो गरीब हो लड़का हो लड़की हो यहां पर बूढ़ा हो बच्चा हो तो हर एक को इसने कोई भेदभाव नहीं किया ठीक है सबको एक नजरों से देखा तो ये एक तरीके से इक्वेलिटी में विश्वास करता था ठीक है तो ये राइट टू तो इक्वेलिटी आप लोगों को देख करके <laughs> मेरा बेसिक मानना यहाँ पर यह क्यों ये मैं बातें बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी में एक ऐसे तबके के ऊपर इंपैक्ट डाले जो कि तबका अमीर है जो कि तबका रईस है जो कि अपने आप को अलीट ग्रुप बताते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है दुनिया में उसके ऊपर फोकस चला जाता है वरना लोगों की प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं लगती है यानी कि दिक्कत नहीं लगती है ऐसा क्यों बोला ऐसे इसलिए बोला बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो कि सोसाइटी में जो नॉर्मली एक तरीके से गंदगी की वजह से होती है ठीक है गंदा पानी पीने की वजह से या गंदगी में रहने की वजह से उनके ऊपर कोई ज्यादा फोकस देता ही नहीं है पर कोरोना के लिए झटाछट धड़ल्ले से दवाइयां बन गई क्यों क्योंकि इसने किसी को छोड़ा नहीं सेम काम अभी यहां पर क्लाइमेट चेंज का आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज ऐसा मुद्दा बन गया इसके ऊपर भी बात करता हूं पहले एक इंटरेस्टिंग और बात कर लेता हूं सेम बात है यहां पर टेररिज्म की टेररिज्म जब था इंडिया दुनिया के सामने चिल्ला रहा भाई साहब टेररिज्म ने हम लोग को परेशान कर रखा है पाकिस्तान की तरफ से हमारी कंट्री में दुनिया भर के लोग जो है वो टेरिस्ट बनकर भेजे जाते हैं वो रातों रात सुरंग खोदते हैं इतने देर में बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं तो पाकिस्तान की पाकिस्तान सिविल सर्विसेज निकाल देते वो पर नहीं उनको गड्ढा खोदने में लगा रखा है तुम गड्ढा खोदो और इंडिया के अंदर जाओ और इंडिया के अंदर जाती हमारे आर्मी के जवान उनको पकड़ के वहां फिर उनकी पिटाई करते हैं मुर्गा बनाते हैं तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है तो कहने का मतलब ये इंडिया ने दुनिया को बोला टेररिज्म है यूएसए ने बोला ऐसा कुछ नहीं है तुम पाकिस्तान के ऊपर लांछन लगा रहे हो फालतू में और टेररिज्म जैसी कोई चीज नहीं है तो भाई साहब उसी टाइम पर जन्म होता है आईएसआईएस का उसने क्या किया धमाके करना स्टार्ट कर दी दीपावली बनाना स्टार्ट कर दी उसने फ्रांस के अंदर जर्मनी के अंदर यूएसए के अंदर में तो तब उनको समझ में आया अरे यार ये बात तो बहुत दिनों पहले ना भारत ने बोली थी यार टेरिज्म जैसी कोई चीज है हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया अब समझ में आ रहा है कि यार हाँ ऐसा कुछ था तो तो वही चीजें अभी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में देखने को मिल रही है जो कोस्टल एरिया में छोटे छोटे आईलैंड है जो डूब रहे हैं आज की डेट में जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हमारी कंट्री कोस्टल एरिया के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं या फिर जहां जहां पर भी कोस्टल एरिया में लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है अब यूरोप के अंदर में जो सूखा पड़ा है उसको लेकर अभी बातें हो रही हैं ठीक है तो यूरोप के अंदर में सदी का एक काफी बड़ा सूखा आप लोग बोल सकते हैं ये आने वाले टाइम में काफी दिक्कत क्रिएट कर सकता है और ये कोई बाहर का इंसान नहीं बोल रहा है खुद यूरोपियन कमीशन के द्वारा ये बातें बोली गई कि हमारी नदियां सूख रही हैं अगर नदियां इस तरीके से सूखेगी तो कैसे आने वाले टाइम में हम लोगों को खाना मिलेगा तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि हंगर स्टोन बोल दिया गया यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते ना कि एक टर्म जो डिफाइन किया गया क्यों क्योंकि जैसे जैसे नदियां सूखेंगी वैसे वैसे लोगों को जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा उनको खाने पीने के लिए एक तरीके से चीजें नहीं मिल पाएंगी सोचो गेहूँ उगाए जाते हैं अगर गेहूं के बारे में इनके वीट के बारे में आप लोग बात करें रसिया और जो यूक्रेन है दो ऐसे देश जो कि नॉर्मली आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलते हैं दुनिया में 25 प्रतिशत गेहूं को सप्लाई करते हैं सिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भुखमरी के आसार आने लगे नजर उन्होंने बोला इतने लोग तो कोरोना से नहीं मरेंगे जितने लोग तुम दोनों के लड़ने से मर जाएंगे यहां पर क्योंकि हमारे पास में खाना नहीं आ रहा है तो आप लोग ये सोचो कल को चलकर यहां पर भुखमरी किसकी वजह से आएगी क्योंकि लोग जो हैं वो गेहूं चावल ही नहीं उगा पाएंगे क्यों क्योंकि पानी की कमी देखने को मिलेगी तो उसका सॉल्यूशन अभी यहां पर कैसे निकलेगा उसके बारे में भी यहां पर बातें चल रही है तो ये एक तरीके से रिमाइंडर है यहां पर आज की डेट में जनरेशन के लिए कि कैसे यहां पर जो चीजें सूखी पड़ रही हैं कैसे उसका सॉल्यूशन निकालोगे तो यूरोप के अंदर में जाकर अगर देखें तो यहां पर एक पर्टिकुलर एरा जो यहां पर बोला गया हंगर स्टोन जो शब्द यहां पर यूज किया ना तो कॉमन हाइड्रोलॉजिकल मार्कर है यहां पर यूरोप के अंदर में और इसके चलते यहां पर देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम में फूड शोर्टेज खाने की कमी इसी के साथ में फेमीन यानी कि एक तरीके से महामारी देखने को आप लोग यहां पर मिल सकती है जिसके चलते लोग भुखमरी का शिकार बनेंगे यहां पर और ये काफी खतरनाक चीजें जो है ये ओनली यूरोप के अंदर नहीं है दुनिया में हर एक लेवल पर है इवन आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा सा हालांकि जो मेमोरी है कई बार आप लोग जो है मजे मजे में भूल जाते हो उसमें मैंने बताया था कि नीति आयोग ने खुद क्या बोला हमारे खुद के देश के अंदर में कितना सारा पानी की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी आने वाली जनरेशन जो है गालियां देगी कि भाई साहब कैसे थे हमारे बुजुर्ग कैसे थी ये जनरेशन जो गई है उसने हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ छोड़ा नहीं हमको पैदा ही क्यों किया था अगर यहाँ खाने के लिए भी यहां पर एक तरीके से खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है और सांस लेने के लिए प्रॉपर हवा नहीं है पैदा करके क्यों गए भैया हमको अपने मजे मजे के लिए पैदा करके चले गए हाँ, सोच तो सही हमारी जिंदगी कैसे चलेगी जैसे आप लोगों के मां बाप बाबा दादा ने आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी दी पर लेकिन आप लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यही मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा तो कई जगह आप लोगों को ये चीजें नजर आ रही हैं आज के डेट में ठीक है तो ये एक ऐसा नहीं कि हर एक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसके चलते यहां पर जो जर्मनी के अंदर भी यहाँ पर बात की रही है कुछ पहले सेंचुरी के बारे में तो इस तरीके से है कि आज की डेट में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है आप लोगों को याद होगा कुछ दूर इतने दूरदर्शी लोग होते हैं ठीक है तो कई सारे लोग हैं आई थिंक अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मुझे कर, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं मैं कंफर्म नहीं हूं यहां पर लेकिन किसी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा ये बोला गया था कि आने वाले टाइम में जो लड़ाई होगी वो पानी के ऊपर होगी ठीक है यानी कि पानी एक रीजन बन सकता है लड़ाई के लिए और ऐसे आसार अभी से आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है ये अभी मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं दो के अंदर ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को को पर देखने को मिल रहा है ना जिसके बारे में आप लोग हाँ पर बात करते हैं कि सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गरीबी और भुखमरी को सबसे पहले रखा गया है क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं इनको अभिशाप माना जाता है एक गरीब पैदा हो जाओ चलेगा पर लेकिन एक गरीब ही आप लोग मर जाते हो अपनी जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो तो वो फिर काफी ज्यादा खतरनाक है तो मेहनत इतनी करो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और जिंदगी में जो इंसान फेल होता रहता है ना अक्सर वही इतिहास भी रचता है ठीक है तो आप लोग समझ सकते हो हिस्ट्री उठाकर देखो जिसने जिंदगी में कुछ अचीव किया ना उसकी ज़िंदगी में फेलियर से उसने गला लगाना सीख लिया होगा फेलियर उसको डराती नहीं थी फेलियर उसको और ज़्यादा स्ट्रोंग करती जाती थी जब जब फेल होता था उसको लगता था कि अब फिर से देखूंगा किस तरीके से कमी हुई है इसको देखूंगा भाई साहब इसको ही नहीं छोड़ूंगा तो ऐसे आप लोग देखते हैं तो अगर आप लोग इस तरीके से उसको देखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ज़िंदगी जीने का मजा आएगा क्लाइमेट चेंज लाइफ बिलो वॉटर और लाइफ ऑन लैंड तो ये एक तरीके से कनेक्टेड आप लोग यहां पर नज़र आएंगे तो इन सबके ऊपर भी काम करने के लिए इसीलिए यहां पर बोला जाता है

और आपने बोला पापा पांच हजार रुपए चाहिए पापा ने बोला कि कभी एक रुपया कमाए जिंदगी में पहले ऐसा है जाओ सौ रुपये कमा के लेके आओ तब तुम्हें पांच हजार रुपए दूंगा ठीक है पापा कहीं और का गुस्सा था तुम्हारे ऊपर उतार रहे थे तो आप लोग बोलो कि हाँ ज्यादा मत बनो आप देखो मैं आज ही कमा के लेके आता हूं ठीक है तो एक तरीके से कोई भी ऐसी स्किल जो आप लोगों के पास में है कि हाँ आप लोग कम से कम सौ रुपए भी अगर कमा के ला सकते हैं तो इसका मतलब ये कि आप लोगों के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को लेके एक स्किल है ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी दोस्त से मांग के लेके आए नहीं यार दोस्त से के दे देंगे ठीक है ये फालतू के आइडिया सबके दिमाग में आते हैं पर लेकिन अपनी स्किल के बेस पर पैसा लेकर आना वो स्किल कुछ भी हो सकती है जो भी आप लोगों के माइंड में आए किसी एक स्किलफुल पर्सन की जो स्किल आप लोग सोच सकते हैं चाहे कोई बढ़ाई है चाहे कोई कुमार है चाहे कोई टीचर है चाहे कोई लॉयर है चाहे कोई एक तरीके से सड़क पर न्यूज़पेपर बेचने वाला चाय बनाने वाला एक तरीके से कोई भी जो भी आप लोगों के माइंड में आए बस आप लोगों को पैसे कमा के लेके आना है तो ऐसी कौन सी स्किल होगी जो कि आप लोग अपने अंदर बोलोगे कि हाँ ये स्किल है इसके बेस पर मैं जो है पैसे कमा कर ला सकता हूं या फिर ला सकती हूँ ठीक है मैंने आप लोगों से क्यों बात की यहां पर ये यार ये स्किल जो है ना कहने के लिए तो बड़ा छोटा सा शब्द है यहां पर ये स्किल की स्किल डेवलपमेंट कर लो पर लेकिन इस स्किल डेवलपमेंट ने जो है कई सारी कंट्री बिगाड़ दी और कई सारी कंट्री बना भी दी है आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं जैसे साउथ कोरिया का उदाहरण लो आप लोग जापान का उदाहरण लो यहां पर यूएसए के अंदर अगर आप लोग जाओ बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, जिनके द्वारा अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया यानी कि अगर इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको आप लोगों ने अक्सर कहावत सुनी होगी कि इंसान को मछली पकड़ पकड़ कर मत दो उसको मछली पकड़ना सिखा दो तो ये अपने आप मछली पकड़ेगा और अपनी रोजी रोटी चलाएगा वो वाली बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है तो अगर आज की डेट में किसी एक ऐसी और हम लोग काम कर रहे हैं जिससे किसी इंसान की कोई ना कोई स्किल डेवलप हो जाती है तो अपना तो पेट पालता ही पालता है अपने पूरे परिवार का भी पेट पालता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा उसी के चलते स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहां पर ये ट्राइबल यूथ के अंदर में यहां पर बूस्ट करने की बात की जा रही है स्किल इंडिया मिशन के तहत सोचो ट्राइबल कम्युनिटी में आप लोगों ने देखा होगा किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल के ऊपर डिपेंडेंट रहती है अगर कल को चलकर जो है पेड़ खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी वो तो उसी के ऊपर जीते हैं सारे तो एक ऑल्टरनेटिव एक काम उनको देने की कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि उनकी जिंदगी जो है एक सही डायरेक्शन में चल सके और उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके ऊपर आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है ठीक है लॉन्च किसके द्वारा किया गया तो अर्जुन मुंडा साहब यहां पर इनके द्वारा यह लॉन्च किया गया इसी के साथ में ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का नाम यहां पर रखा गया ठीक है तो ये क्या है यहां पर प्रमोट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ट्राइबल यूथ इंटरेस्टिंग चीज क्या है स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में बिजनेसमैन यानी कि एंटरप्रेन्योर भी बनाने की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि एक इंसान को एक तरीके से जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर भी बनाया जा रहा है यानी कि ऐसा नहीं कि वो स्किल डेवलपमेंट करेगा बस ओनली वो अगर एक तरीके से अपना कोई बिजनेस भी सेट कर लेता है तो वो दूसरों को जॉब भी देगा तो इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग यानी कि एक तरीके से अपना तो पेट पाला ही पाला और कई परिवारों का पेट पाल के चला गया तो जिंदगी में अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसा आइडिया है जो आप लोग तो लगता है बड़ा ही बेहतरीन आइडिया है और उसके बेस पर आप लोग अपनी जिंदगी भी सुधार सकते हैं किसी को एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं और इसी के साथ में कई सारे लोगों को आप लोग जॉब दे सकते हैं तो हमेशा उस काम को करिएगा उससे आप लोगों का ही भला नहीं होगा ओनली कई सारे परिवार के साथ साथ में अपने देश यानी कि अपनी कंट्री का भी आप लोग भला करते हुए नजर आओगे तो यहां पर ये बात आप लोग बोल सकते हो ठीक है तो यानी कि स्किल डेवलपमेंट का बेसिक फंडा आप लोग यहां पर ये भी समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में एक सही डायरेक्शन में जो है लोगों को लेकर चलना उनको किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रखना उनको ऑलरेडी किस तरीके से तैयार करना ताकि वो अच्छे लेवल पर अपना काम आगे लेकर चल सके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि पार्टनरशिप कर रही है यहां पर सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ में लॉन्च किया गया ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के तौर पर फिर आप लोग बोलते हो यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब यहां से आ गया थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा एग्जाम में बस आप लोगों को थोड़ा सा काम करना है अपना टकटकी लगाकर लेक्चर को देखे ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में रहे और इससे फायदा क्या होगा आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा वो कैसे वो ऐसे कि जब आप लोग बोन बीटा पीते हो ना कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ये आर्टिकल है बोन बीटा और आर्टिकल के एंड में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कॉन्फिडेंस देंगे फिर और ज्यादा ठीक है क्योंकि उनका आंसर आप लोग दे पाओगे तो स्किल किसी भी चीज में हो सकती है आप लोग एक तरीके से किसी भी लेवल पर आप लोग काम कर सकते हो कोई ट्रेनिंग हो गया ठीक है एक्सपीरियंस एक तरीके से प्रोवाइड कराना इंसान को उसकी एबिलिटी डेवलप करना उसकी ग्रोथ डेवलप करना एडवांस लेवल पर लेकर जाना नॉलेज लर्निंग इसी के साथ में जो आप लोग बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी चीज में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक है ये याद रखिएगा अगर आप लोग कहीं पर भी किसी फेज में जाएंगे तो लर्निंग आप लोगों को हमेशा रखनी पड़ेगी एक कहावत बोली जाती है पुराने टाइम पे दादाजी बोला करते थे कि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है आप लोगों को हमेशा अपनी स्किल में डेवलपमेंट करते हुए रहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा ती के साथ में दो शब्द जो है आप लोग इनको भी याद रखते हैं एक को बोलते हैं कॉम्पिटिशन और एक को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी ठीक है तो यहां पर आप लोग कॉम्पिटेंस या फिर कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा या फिर योग्यता तो ये यह भी यहाँ पर दोनों बढ़ती है आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर बिजनेस आप लोग करोगे तो सामने कोई ना कोई आप लोगों के खड़ा मिलेगा ठीक है वो भी होगा अपना बिजनेस करता हो आप लोगों को नजर आएगा अब जिसका प्रोडक्ट बेहतरीन होगा मार्केट में उसका ही प्रोडक्ट जो है वो खरीदा जाएगा तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप लोगों को अगर स्किल डेवलपमेंट करनी है तो इस तरीके से डेवलप करनी है ताकि अपना तो फायदा हो कल को कोई इंसान अगर हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करने लगे कोई पर्टिकुलर कंट्री की कोई कंपनी तो उनको लगे कि हाँ यार यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट अच्छा है यहाँ पर लोग जो हैं एक अच्छी स्किल के मिल जाएंगे किसी को पढ़ाई चाहिए किसी को एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए ठीक है किसी को कोई मैकेनिक्स चाहिए तो यार इस देश में आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर चलकर अपना बिजनेस जो है वो तैयार करते हैं पर एक चीज और याद रखिएगा यहां पर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है को एक स्किल के साथ साथ में यहां पर अफोर्डेबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसने एक स्किल डेवलप कर रखी है अपनी और वो बोल रहा है कि मैं अपनी स्किल जो है वो एक घंटे के पांच हजार रुपए लूंगा तभी आप लोगों यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा ठीक है एक इंसान ये कह रहा है कि यार स्किल तो मेरी भी इसकी लेवल की है पर लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्किल जो है सबके पास में पहुंचे इसलिए मैं एक घंटे के पांच में ही काम कर दूंगा ठीक है तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि अफोर्डेबल भी स्किल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप लोग बोले की घर में यार एक स्विच फूक गया एक इलेक्ट्रीशियन है बोले कि आ जाऊंगा पांच हजार रुपए लूंगा बोले पांच हजार रुपए पूरा बोर्ड चेंज करवा लेंगे हम ठीक है तुम पांच हजार रुपए लोगे एक बो एक कह रहे कि ठीक है कोई नहीं यार बता देना कहां कमी है मैं जो है दो सौ रुपए में कर दूंगा मैं तीन सौ रुपए में कर दूंगा ठीक है तो किसको इंसान लेकर आएगा तो जो उस पर्टिकुलर काम के लिए अफोर्डेबल प्राइस मांग रहा है एक रीजनेबल प्राइस मांग रहा है तो अगर कोई वहां पर वर्क फोर्स है तो एक तरीके से वो ऐसी होनी चाहिए कि रीजनेबल प्राइस में काम कर दे ठीक है जिससे कि प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़े क्योंकि क्या होगा मान लीजिए आज की डेट में हमको एक दीवार बनानी है ठीक है कोई एक घर तैयार करना है और उसकी दीवार बनानी है और वो पूरा घर तैयार करने में जो है मजदूर मजदूर चाहिए पर लेकिन मजदूर जो है वो इतना पैसा मांग रहे हैं कि मिस्त्री से भी ज्यादा मांग रहे हैं तो वहां पे क्या होगा आप लोग खुद समझे यहां पर मतलब घर का प्राइस क्या होगा फिर यहां पर और मान लीजिए कोई फ्लैट बना रहा है उसको फ्लैट मार्केट में बेचने तो फिर उन फ्लैट का प्राइस क्या होगा किसके ऊपर कोस्ट पड़ेगी वो जाकर सीधी सीधी एक आम जनता कस्टमर के ऊपर पड़ेगी तो इसलिए ये सारी चीजें भी आप लोग को एक बैलेंस बनाकर चलने वाली बात होती है आप लोग को याद होगा जब भी मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जिसको आप लोग महंगाई बोलते हैं उसमें हमेशा मैंने प्लस माइनस टू वाला जब कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया कि महंगाई जो है दो से लेकर छह के बीच में होनी चाहिए तो दो से लेकर छह के बीच में अगर ज्यादा नीचे जाएगी यानी कि कम महंगा होगा या फिर ज्यादा महंगा होगा तो किस किस के ऊपर क्या इंपेक्ट पड़ता है मैंने सारी बातें बताई है अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको तो काफी नुकसान हो जाएगा अगर इतना सस्ता हो गया कि उसकी लागत भी नहीं निकल रही है जितने का उसने बेचारने मेहनत करके बनाए गेहूं उगाया उसने खूब मेहनत करी खेतों में पर लेकिन प्राइस इतना सस्ता हो गया कि उसकी लागत भी नहीं निकल रही है खरीदने वाले को फायदा हो जाएगा पर लेकिन खरीदने वाला तो तब मार्केट ने गेहूं उगाना बंद कर दिया क्योंकि यार उसको फायदा नहीं हो रहा उसको तो नुकसान हो रहा है तो क्यों उगाएगा तो आने वाले टाइम पे ये मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और सामने वाले ने गेहूं उगाए और वो गेहूं जो है मार्केट में कोई खरीद ही नहीं पा रहा है क्योंकि अगला इतना महंगा बेच रहा है उनको तो इससे फिर यहाँ पर कस्टमर की खस्ता हालत होने लगी तो बीच में काम चलना चाहिए तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि बुद्धा के पाथ पर चलना पड़ेगा हम लोग को अपना ये पर्टिकुलर सिस्टम को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए ठीक है कुछ इंपोर्टेंट बातें जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन जिनसे बन जाते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप की यहां पर सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया तो इसमें क्या किया जाएगा जो यूथ है यहां पर उनको एक स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो अपनी जिंदगी जो है किसी के ऊपर गिरकर अपनी लाइफ जो है वो व्यतीत न करें अपनी जिंदगी में खुद कमाएं आप हाँ लोगों ने मूवी देखी होगी ना जो जो संजय दत्त और इसी के साथ में अजय देवगन वाली है ठीक है अजय देवगन उसमें गाड़ी का शौकीन होता है मूवी का नाम क्या है जस्ट चिल मूवी का नाम क्या है बताओ चलो मेरे माइंड से निकले <laughs> उस मूवी में क्या रहता है कहता है कि तेरे पास ब्रेड के भी पैसे नहीं है है तू इसका से, इसका पर्स लिए घूम रहे हैं <laughs> तेरे पास में बेजती तो करते है एक तरीके से उसकी तो कभी भी आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना यार अक्सर आप लोग बेजती होती नजर आएगी तो आप लोगों को क्या करना है अपनी बेजती से अगर आप लोगों को बाहर निकलना है और इज्जत कमानी है जिंदगी में तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप लोगों को काम करना है तो इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसके ऊपर ये काम किया जा रहा है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को पढ़ाई भी अच्छी करनी है आप लोगों को अपनी बॉडी के ऊपर भी फोकस करना है कि आप लोगों को बॉडी में जो है बीमारी ना लगी हस्तपुस्ट बॉडी रहे आप लोगों को प्रॉपर डाइट आप लोगों की मिलती रहे सोने उठने का पैटर्न आप लोगों का सही हो जाए तो ये होगा इंसान के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट आधे ऐसे हैं जो शाम को टाइम पर ही नहीं सो पाते हैं, कितना भी उनके साथ में जबरदस्ती कर लो और आधे ऐसे हैं सुबह टाइम पर उठ ही नहीं पाते हैं कितने भी उनको चाहे करंट दे लो सोतो सोतो को <laughs> करंट लगने के बाद भी नहीं उठेंगे वो लोग ठीक है तो ये एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा जब इसको बैलेंस कर दोगे आप लोग सोना उठने का टाइम फिक्स कर दोगे तो इट मीन्स कि अब आप लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और अब आप लोग एक एक स्किल स्किलफुल्ड पर्सन बनने की कैटेगरी में एक सही पैटर्न पे चलोगे तो किसी स्किल को सोचने से वो स्किल नहीं आती है उसके ऊपर काम करना पड़ता है प्रैक्टिकली और उससे पहले आप लोगों को अपने आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा तो स्किल इंडिया मिशन जो है वो आप लोग एक प्रोजेक्ट के तौर पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से आगे चलेगा जब आप लोग इस काम को ढंग से करोगे ठीक है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट जो है ये एक तरीका यहां पर मल्टी स्किल प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं उसको तो यहां पर एक तरीके से मल्टी स्किल प्रोवाइड कराई जाएंगी यहां पर ठीक है तो डेवलप किया जाए जो जिसके द्वारा फंडिंग किया जा रहा है वो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर बेसिकली फंडा क्या रहता है यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है और खासकर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है यहां पर जो जिसको भी यहां पर यह सपोर्ट चाहिए होती है

ये इन राज्य में इनको तैयार किया जाएगा प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये अभी तो देखिए क्या हो गया? एक स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट लेते हैं ठीक है फिर उसको अलग अलग इंप्लीमेंट करते हैं तो महाराष्ट्र राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड और गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगा इससे क्या होगा ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में एक तरीके से जो कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में एक नहीं जो काफी एक अच्छा लेवल आप लोगों का बढ़ता हुआ नजर आएगा इसी के साथ में इंपावरमेंट होगा यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन का क्योंकि आप लोग खुद सोचिए आप लोगों के एरिया में अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा है कोई ऐसा इंसान जिसको आप लोग जानते हो ठीक है तो आप लोग उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर लोगे एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल न्यू है जिसको आप लोग जानते नहीं वो कुछ बच कर जाएगा तो आप लोग बोलोगे यार पता चला फ्रॉड करके चला गया तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं तो उनके ही बीच में से लोकल इंसान को निकाल के बिजनेसमैन बनाना तो वो उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे ट्रस्ट वर्दी पर्सन रहेगा वो अलग बात है कि चिड़ेंगे हाँ यार ये बिजनेसमैन बन गया हम यहीं यही पड़े रह गए ठीक है तो वो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है उसका कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग इंसान के अंदर में जो उस ह्यूमन टेंडेंसी से ऊपर उठ जाता है ना वो इंसान रियलेटि में अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स कर पाता है ठीक है जिसको ये लगता है यार ये आगे निकल गया यार मुझे इससे आगे रहना है ये ये हो गया ये चिड़ता है दूसरों से कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसकी प्रोग्रेस को एंजॉय करो जब तक कि वो आप लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना नेगेटिव इंपैक्ट मतलब आप लोगों के बारे में आप लोग की इमेज खराब कर रहा है कुछ गलत बोल रहा है वो सारी चीजें अगर वो ऐसा करने लगे तो फिर तो देखो सामने वाले को सबक सिखाना बनता है ठीक है तो, तो वो वो वाली बात है तो इस तरीके से अपनी जिंदगी में हमेशा चीजों को लेकर चलो प्रोडक्टिव वे में तो ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्रीज करना रूरल और लोकल इकोनॉमी को इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट जनरेट करना ये ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए पूछ ले आप लोगों से प्रोजेक्ट के बारे में तो याद रखेगा रिड्यूस करना माइग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन के चलते तो यहाँ पर एम जी नरेगा न्यूज में आ जाता है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे देश में लॉन्च किया गया जिसकी वजह से लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया मैं आप लोगों को बता दूं खासकर उन एरिया में जहां पर गन्ना बहुत ज्यादा उगाया जाता है वहां पर अक्सर बाहर से लोग काम करने आते हैं तो हमारे गांव में बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करने आते थे तो उसके चलते यहां पर ये बोला गया कि यार ये कैसे काम चलेगा देखना पड़ेगा क्योंकि अब बाहर से लोग काम करने आना बंद कर दिए एक तो कोविड नाइनटीन ने खस्ता हालत कर दी दूसरे यहां पर उनके लोकल एरिया में उनको जॉब मिल जाती है क्यों इतनी दूर जाना है उनको अपना घर परिवार छोड़ के तो लोकल एरिया में अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी इसलिए लोग माइग्रेट करते थे जब लोकल एरिया में ही अपॉर्चुनिटी होगी तो क्यों माइग्रेट करेंगे भाई अपने घर में खाएंगे अपने घर में पकाएंगे और इन्जॉय करेंगे तो वो वाली बात है ठीक है इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी जो है एक तरीके से आप लोगों ने मूवी देखी है जो रिसेंटली अभी जो मूवी आई थी अवतार ठीक है इसका नाम नहीं बोला ठीक है पहले का नाम भूल गया एक बार कह रहा है सर मूवी तो वो देखते हो नाम भूल जाते हैं <laughs> <laughs> यार देखो जब पढ़ा रहा होता ना उस टाइम पे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है ठीक है तो उस टाइम पे मूवी 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 याद नहीं रह पाती है, ऐसी बात नहीं है कि भूल जाता हूं कि बुलक्कड़ आदमी हो पर यह है कि उस टाइम पे मैं पढ़ाने वाले जोन में रहता हूँ मूवी तो एकदम साइड में पढ़ाते पढ़ाते कुछ याद हो गया कनेक्ट आ गया उस तरीके से तो वो याद आ जाती है तो एक टाइम मूवी के सीन याद आ जाते हैं बेसिकली मुझे एकदम उस टाइम पे ठीक है क्योंकि मूवी देखने का मैं शौकीन आदमी ओके तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो वो वाली चीज है अगर बात करें यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तो अवतार मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कितने कनेक्टेड थे वो फॉरेस्ट के साथ में उनकी घोड़ों के साथ में पूछ कनेक्ट हो रही थी अपने नेचर के साथ में जाते उनको ये लगता था कि हमको सेव करेगी वो कितना शानदार मतलब वो मूवी में देखने के लिए मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि वाओ क्या एक तरीके से नजारा है वो वाली चीज आती है पेड़ देखे हुए छुई मुई वाले जिनको टच करती है अंदर सिकुड़ जाते हैं वो रियलिटी में ऐसे कई जगह पेड़ आप लोगों को देखने को मिले कई चमकने वाले पेड़ भी दिखाई देते हैं ऐसा नेचर है हमारा अलग अलग जगह आप लोग ऐसी देखने को मिलती है। इवन अपनी कंट्री के अंदर जाओगे वेस्टर्न घाट में आप लोगों को सारी ऐसी प्रजाति देखने को मिल जाएगी पर लेकिन हम जो है डेवलपमेंट के नाम पर जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है आज की डेट में तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है ये जो है आप लोगों को प्रोजेक्ट जो है दो फेज में इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा फेज वन में मोबिलाइज किया जाएगा रूरल और ट्राइबल एरिया में खासकर इन राज्य में महाराष्ट्र राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात फेज टू जो पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रांची के अंदर में जो यहाँ पर युवा विकास सोसाइटी थ्रू सेवा विकास सेवा जो भारतीय केंद्र है इसके तहत यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा ये होता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है जिस तरीके से नहीं एक तरीके से पायलट जो है वो जहाज उड़ाता है उसी के नाम से यहाँ पर निकल कर आता है पायलट का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले चीज को इंप्लीमेंट करके देख लेना ठीक है अगर लगे अच्छी है तो फिर ठीक है इंप्लीमेंट कर लो अगर लगे अच्छी नहीं है तो भाई साहब इसको छोड़ दो तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ठीक है तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है एक <laughs> मुझे एक सीन याद आ गया एक पर्टिकुलर स्कूल की बात आप लोग इसको बोल सकते हैं एक बच्चा था हमारे टीचर जो थे वो बेसिकली जो नहीं एक खुकार टाइप के जो टीचर थे हमारे मैथमेटिक्स वाले तो वो क्या करते थे किसी पे बताया नहीं गया तो उसको मुर्गा बना लेते थे ठीक है तो एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे जो मतलब बैक साइड पे फुंसी हो रखी है ठीक है तो मेरे हाथ पे मार लो ठीक है तो टीचर कह रहा है कि मार के देखो तो सही एक बार कि कहाँ फुंसी हो रखी है तभी <laughs> तो तुम पढ़ाई करोगे तो पायलट प्रोजेक्ट था चेक करके देख लेते हैं एक बार ठीक है कि दर्द होता दर्द होता है दर्द होता है कि नहीं होता है ठीक है तो वो वाली चीजें यहाँ पर तो पायलट प्रोजेक्ट है पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर काम करता है कि नहीं करता है ओके उसके बाद में सोचेंगे फिर आगे कैसे लेके चल रहे हैं तो जो ट्रेनिंग यहाँ पर अंडर दिस प्रोजेक्ट वो प्रोवाइड कराई जाएगी जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रीशियन हो गए ठीक है सोलर पावर को इंस्टॉल करने वाली बात होगी गई प्लम्बरिंग हो गई ये इसी के साथ में कई सारे आप लोगों को मैकेनिक्स जो देखने को मिलते हैं जैसे रिपेयर करने की बात आती है गाड़ी में पंचर हो गया मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल में मेंटेन करने वाली बात होती है आई टी वाई टी गवर्नेस और ये सारे एक तरह से फार्म जो मशीन होती है उसको लेकर मतलब कुछ भी ऐसी चीजें लोगों को सिखाना जो कि लोकल एरिया में यूज हो रही है और उसको कैसे ठीक करना है वो इनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी तो इसके लिए यहाँ पर इनको तैयार किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी है भाई साहब इतने इनिशिएटिव हैं आप लोगों को खुद बोलू ये सारी चीजें आप लोग पढ़ तो लेते हो पर लेकिन क्या आप लोग किसी को बताते भी हो ये कि भाई ये प्रोजेक्ट है अगर किसी को जॉब मिल जाए तो बता देना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ठीक है रोजगार मेला हो गया प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हो गई इसी के साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल हो गई स्कूल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर है प्री डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है तो ये इतने सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किए जाते हैं कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता है लोगों तो छोड़ो एक आई के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था काफी टाइम हो गया उसने ये बोला बेचारा कह रहा है कि यार इतनी सारी स्कीम के नाम है मतलब हमको भी नहीं पता रहता है कौन कौन सी स्कीम है वो ये चाह रहा था कि सारी स्कीम को मर्ज कर कर कुछ ऐसी स्कीम निकालो ना कि यूनिवर्सल टाइप की ठीक है मतलब एक आई इंसान है उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी स्कीम कहाँ चल रही है इतने बंडल है सेंटर की स्टेट की है वहां की है यहाँ की अब ये सोचो नॉर्मल जनता को कैसे बताओगा तो ये एक तरीके से बिल्कुल वही काम है कि एक ही नाम की दुनिया भर के जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर डाले थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके ठीक है मान लीजिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना है अब यार इंश्योरेंस इंश्योरेंस है अब बुजुर्ग को दे लो महिला को दे लो किसी को दे लो एक स्कीम का नाम रखो बाकी उसमें एज के ऊपर क्राइटेरिया रख दो अंदर चल के उसके अंदर ये थोड़ी ना कि बुजुर्ग के लिए अलग इंश्योरेंस की स्कीम हो गई महिलाओं के लिए अलग हो गई बच्चों के लिए अलग होगी एजुकेशन लोन लेना है उसके लिए अलग होगी अबे इंश्योरेंस है ना वो यार तो उसको इंश्योरेंस रखो नाम नॉर्मल कम से कम समझ में तो आए अब नाम भी ऐसे निकाल के लेके आते हैं कि जिसके सरना पैर तो फिर आदमी जो है वैसे कंफ्यूज हो जाता है अब एक गवर्नमेंट आई उसने कुछ और नाम रखा दूसरी बोली आथू हमको पसंद नहीं है हम दूसरा नाम रखेंगे ठीक है अरे भाई हमने वोट दिया गवर्नमेंट चेंज करिए तुम सारी तुम सारी की सारी स्कीम चेंज करने बैठ गए <laughs> स्कीम में रियलिटी में बताऊँ स्कीम में कोई चेंज नहीं होता है जो चेंज होता है स्कीम के नाम में होता है ठीक है आगे बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट को जो कॉपरेशन है पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है देखिए एक तो स्कीम के बारे में आप लोगों को बता दिया पूरा ठीक है कौन कौन सी स्कीम लॉन्च कर रखी है वो बता दी अब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर हो गया जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है तो ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि थर्टी जुलाई टू में यहाँ पर लॉन्च की गई थी कंपनी एक्ट उन्नीस के हिसाब से आज की डेट में ये कंपनी एक्ट नहीं है आज की डेट में लेटेस्ट कंपनी एक्ट है वो कंपनी एक्ट कौन सा है उसका नाम आप लोग बताइए ठीक है क्योंकि ये पुराने कंपनी एक्ट की बात पुरानी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंदर आप लोगों को ये देखने को देखने मिलेगा ठीक एन एस डी सी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है यानी कि इसमें क्या होता है गवर्नमेंट भी काम करती है और यहाँ पर प्राइवेट वाले भी काम करते हैं और मुझे यहां पर अभी भी याद आ रहा है एक फ्रेंड था मेरा मतलब फ्रेंड नहीं बोल सकते मतलब गाँव का था तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो गाँव के बच्चे होते हैं उनको इंटरनेट सिखाने की एक स्कीम स्टार्ट की गई थी तो वो इस प्रोजेक्ट में लगा था तो उस प्रोजेक्ट में जो थे वो एक टेंडर निकाले जाते हैं और जो टेंडर रहते हैं वो डीएम के हाथ में रहते हैं ठीक है तो जो उस एरिया का डीएम था वो थोड़ा सा एक तरीके से नहीं ऐसा नहीं होता है कि अपने दोस्त को टेंडर पकड़ा देना तो उसने अपने दोस्त को टेंडर पकड़ा दिया तो जो 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 दोस्त था जिसका डीएम का जिस जो टेंडर वहां पर इंप्लीमेंट कर रहा था बेसिकली उसमें जो काम करने वाला था वो मेरे गांव का वो मेरे का मतलब एक लड़का था तो उसने बोला कि यार इतनी बुरी कंडीशन है जिसकी कुछ नहीं है ठीक है यानी कि जो प्राइवेट वाले होते हैं ना वो पैसा खा के निकल लेते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वो तो एक अच्छी मंशा से स्कीम लेकर आती है तो सबसे बुरी जो चीज होती है वो होती है इंप्लीमेंटेशन के ऊपर में आप लोगों ने काम तो कर दिया स्कीम तो लॉन्च कर दी पर ग्राउंड लेवल पर है, वो पहुंच पा रही है वो सबसे खतरनाक चीज होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में जो थ्रू यहां पर फोर्टी हाँ पर 49% जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन यहाँ पर इसका इसमें बेसिकली शेयर है और प्राइवेट का 51% परसेंट है तो इसका मतलब पावरफुल कौन हो गया पावरफुल हो गया प्राइवेट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी किसके साथ में होगी होगी प्राइवेट के हाथ में क्यों क्योंकि प्राइवेट के हाथ में 51% परसेंट दे दिया तो इसीलिए यहां पर स्किल प्रॉपर ग्राउंड पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी जो कोई सीरियस इंसान है आप लोगों जैसे टाइप का एक ईमानदार आदमी है आप लोगों जैसा काम करने वाला वो तो कर लेगा ठीक है हाँ भाई मुझे तो काम करना है पर लेकिन जो ऐसा है कि हाँ एक तरीके से नहीं मेरे टाइप का को कोई आलसी आदमी है ठीक है जो कि कभी कभी काम करता है डेली मुझे काम नहीं कर पाता है ठीक है तो उसको क्या होगा वो ऐसी ऐसी चीजें करेगा ठीक है तो ये वाली बात <laughs> <laughs> क्या कह रहे हो सर स्टेटमेंट गलत उल्टी बोल दिया आपने <laughs> 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 नहीं आप भी मेहनती हो कल मैंने देखा इतने शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए और बहुत सारे आंसर के साथ साथ में आप लोगों ने जो है फीडबैक भी अच्छे से दिया है कल का पार्टिसिपेशन मुझे वास्तव में ही बेहतरीन लगा ठीक है चाहे फीडबैक की बात कर ले वीडियो के ऊपर मतलब हर तरीके से आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से एक अच्छे एस फैमिली मेम्बर होने का एक अच्छा एक बेहतरीन नमूना पेश किया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली ठीक है तो पार्टिसिपेशन काफ़ी शानदार तरीके से किया इससे लगता है कि एस आर्मी के साथ में था मैं कल ठीक है आज भी मुझे ऐसे ही रेस्पॉन्स चाहिए और आप प्रोवाइड कराओगे ठीक है तो यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड कराना स्केलेबल और सक्सेसफुल इनिशिएटिव होता है वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर एक तरीके से तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी ठीक है इसके चलते एक लास्ट स्लाइड है यहां पर यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो मेन स्कीम हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर काम कर रही है इसके तहत यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम किया जा रही है स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है और इसके चलते हाँ पर यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया गया ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन को यहां पर रिवॉर्ड भी दिए गए कि उनके द्वारा चीजें जिस तरीके से लेकर आई गई है ठीक है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कई सारी देखिए होता क्या है जैसे आर्टिकल तो कहने के लिए एक है पर लेकिन अब एक आर्टिकल के अंदर में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कई सारी स्कीम जो है वो आप लोग यहां पर तैयार होगी कल को चलकर इस स्कीम के बारे में पूछ लेगी कब लॉन्च किया गया था तो याद रखिएगा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था ठीक है मिनिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर में आती है ठीक है तो ये इस तरीके की चीजें यहां पर कि हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी स्कीम हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर में ठीक है पूछ लिए क्या जाते हैं अभी पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन तब आप लोगों को पता चलेगा चलिए बताइए बात की जा रही है उद्यमी प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ये मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और झारखंड तो बोला जा रहा है कि करेक्ट बताना है अगर यहां पर मैं इनकरेक्ट बोल देता और स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर देता तो जरा सी देर में जो है वो नहीं एक तरीके से पलटी खा जाता पूरा क्वेश्चन फिर आप लोग बोलते यार पढ़ के तो गए थे पर लेकिन समझ में नहीं आया ठीक है तो इस तरीके से ध्यान से पढ़ो ताकि क्वेश्चन का आंसर दे सको अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हो इसका मतलब आप लोगों ने आर्टिकल सुना है ढंग से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब तो आप लोगों ने बस टाइम पास कर लिया ठीक है तो इससे पता चलेगा कि ढंग से आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं तो आंसर क्या हो गया वीडियो को पॉज करके बताओ आंसर यहां पर डी हो गया ठीक है एक और क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उसमें से स्किल डेवलपमेंट में कौन सा इनिशिएटिव है रोजगार मेला हो गया इसी के साथ में इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स हो गए कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होगी तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनसे अक्सर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं तो क्या हुआ आंसर बताइए यहाँ पे सही ठीक है बताइए चलिए फिर आप लोगों को बताता हूँ तब तक अटेम्प कीजिए एक और है यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉपोरेशन के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया गया ठीक है तो यहां पर बात की जा रही है नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि हमारे देश में बनाई गई इकतीस जुलाई दो हजार इक्कीस में दो हजार आठ में ठीक है और ये कंपनी का जो यहां पर सेक्शन ट्वेंटी फाइव है नाइन फिफ्टी सिक्स का उसके तहत इसको बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इसी के साथ में जो एन है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर काम करती है फंडिंग जो प्रोवाइड कराती है तो इसका हाँ करा तो तो आंसर इसको आप लोग एक तरीके से इस दो जरा सा डिफरेंस है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग गलत और सही कर देंगे यहां पर उसी के बेस पर ठीक है तो अटेम्प्ट करो इसको तो पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछा इसका आंसर यहाँ पर डी हो गया सारी मैंने भी आप लोगों को है

बोला गया कि ये समटाइम्स मैंसन होती है न्यूज के अंदर में किसके रेफरेंस में तो यहां पर इसका आंसर क्या है सही तो इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली बात की जा रही है यहां पर सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायरिंग स्किल एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल ठीक है तो यहाँ पर ये इसके थ्रू आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी तो प्रायर लर्निंग इसकी यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर यह बेसिकली लाएगी ठीक है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं यहाँ पर इस तरीके से तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में थोड़ा सा और ध्यान देना हो तो ये पर्टिकुलर प्रायर लर्निंग के बारे में वर्क लाइफ एजुकेशनल और इसी के साथ में एक तरीके से लिबरल जो एक तरीके से एडल्ट एजुकेशन सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज़ तो इस सारों का एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही है तो ये काफ़ी शानदार एक बेहतरीन आर्टिकल था जिसमें ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो गई आप लोगों की दो स्कीम भी यहाँ पर कवर हो गई एक तो जो अभी बताई गई है उसके साथ में आंसर लिखने के बारे में बात करें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी फ्रेम किए गए तो हर तरीके से ये आर्टिकल जो है वो शानदार आप लोगों के सामने देखने को मिला ठीक है कई बार कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आर्टिकल जो है उस एक एक आधे आर्टिकल में कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है आप लोग ये नहीं देखते कि उस आर्टिकल में कितनी सारी चीजें कवर हो जाती है ठीक है तो उसको देखा करो चाहता तो मैं इनको अलग अलग टॉपिक के तरीके से डिवाइड करके पढ़ा देता तो यार ये ऐसी बातें मत बोला करो जो दिल दुखा देती है कई बार ठीक है आप लोग एक जब पूरा महीना हो जाएगा ना उस टाइम पे आप लोग देखना आप लोगों के पास में कितने आर्टिकल हैं और कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास में प्रॉपर आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है वो चीजें आप लोग वहां पर काउंट कर पाना और रियलिटी में आप लोग ये बताओ जितना मैं आप लोग को पढ़ाता हूं क्या उतना आप लोग कवर कर पाते हो डेली ठीक है तो वो भी आप लोग जाकर एक बार चेक करिएगा तो उससे भी आप लोगों को पता चलेगा कि खुद भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलती रहती हैं डेली रेगुलर ठीक है तो थोड़ा सा उस चीज पर भी फोकस देना है ओके आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं बाकी मंडे से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज की जाएंगी कई सारे बच्चे जो हैं टाइम को लेकर भी बता रहे हैं तो टाइम का भी फिक्स किया जाएगा कई सारी चीजें उसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं ठीक है तो उसका आप लोग इंतजार कीजिए कई सारे बच्चे कुछ और भी चीजें बोल रहे हैं कि सर जैसे मैंने बोला था ना कोर्स के बारे में तो उसके बारे में कुछ आप लोगों को अपडेट्स मिलेंगे तो कई सारी चीजें हैं जो कि मैंने बोला था इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा इसी के साथ में आप लोगों की जो मंथली पीडीएफ है उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भी और इसी के साथ में एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करा दिए उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फीडबैक जरूर देना जैसे भी आप लोगों तो को डिस्कशन लगा नेक्स्ट लेक्शन मिलता हो तब तक ध्यान रखिए बड़ो को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद